मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सर आ रही है। डन सर। अच्छा, ये मोबाइल वैसे ऑफ करना होगा? नहीं, ऑफ नहीं, बस म्यूट दबा दीजिएगा। जब आपकी बारी ना हो तब म्यूट दबा दीजिएगा, अदरवाइज उससे वो वॉइस डिस्टरबेंस आपके बहुत होता नहीं, है। मतलब कॉल किसी की आ जाए, अभी जैसे आई मैंने कार्ड, वो थोड़ी सी बात कर ली क्योंकि मुस्कान जी का ही था फोन, अदरवाइज अच्छा काट तो वो कट दीजिएगा जाएगा, फोन। वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जी जी मैं काट दिया था, जी अभी दो तीन फोन आए थे, काट दिया था, काट जी 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 दिया था। जी संदीप भाई, शेल वी स्टार्ट? भाई जान, बिल्कुल बिल्कुल भाई जान, बिल्कुल ओके। सो दोस्तों, जो हमें देख पा रहे हैं इस वक्त पोएटा आत्मा के पेज से, उन सबको बहुत 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 नमस्कार, सलाम। नमस्कार सलाम। आज पिछले करीब आज 50 या 52 दिन पिछले से आप सब लोग, विनोद करीब सर आई थिंक से आपका विनोद माइक सर आज खुला हुआ है आपका माइक जिसकी वजह से खुला आवाज हुआ है। रिवर्स आ रही है। तो अच्छा मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ इस सेशन में। पोएटिक आत्मा जो कि पिछले 5 महीनों की अपनी इस यात्रा में इतना कुछ कर चुकी है साहित्य के क्षेत्र में कि मुझे साहित्यम की पूरी टीम को और हम सबको बहुत बहुत फक्र होता है कि हम इनके इस बहुत बड़े प्रयास, अनूठे प्रयास से जुड़े जो इन्होंने ग्लोबल ई लिटरेचर फेस्टिवल रखा है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी समझ जाती है, लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य ने भी किया था और बहुत सारी अन्य संस्थाएं करती रहती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लिटरेचर को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई दशकों से लिटरेचर को प्रमोट करने की कभी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि लोग कर रहे हैं। लेकिन ये ई लिटरेचर फेस्टिवल यानी आपको घर में बैठ के आप साहित्य के अनूठे पहलुओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं इस पूरे प्रयास में, गल्फ कंट्रीज से जुड़ रहे हैं, दुबई से जुड़ रहे हैं, सऊदी अरब से जुड़ रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से जुड़ रहे हैं, हिंदी के ऊपर बात करने के लिए, उर्दू के ऊपर बात करने के लिए। मैं पोएटिक आत्मा को साहित्यम की पूरी टीम की तरफ से और हमारे जितने भी आज श्रोतागण जुड़े हुए हैं उस पूरी टीम की तरफ से पोएटिक आत्मा को बहुत 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 अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोग वाकई बधाई के पात्र हैं, आप लोग मेरी शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं स्वीकार करें। आज इस सत्र का जब सबसे पहले आमंत्रण हमें मिला, जब अभिषेक भाई हमारे बीच आए और संदीप आए और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए, कोई एक ऐसा सत्र लाना चाहिए जो साहित्यम जैसे लीड करे, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि आप लोग खुद ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो साहित्यम उसमें और कैसे कोई अच्छा काम उसमें और एड ऑन कर सकता है। लेकिन ये सोच बड़ी दार्शनिक थी, बहुत दूर तक ये सोच जा रही थी, और जब मैंने इसको अपने तरीके से देखना शुरू किया तब मुझे ये समझ में आया कि पोएटिक आत्मा ये चाहती है कि साहित्य के साथ साथ हम साहित्यिक लोगों को भी अलग अलग जगहों पर पकड़े, टच करें। और आज हम ये सब मानते हैं कि आज जितने भी लिटरेचर क्लब्स चल रहे हैं, जितने भी साहित्यिक गतिविधियां चल रही हैं, सब में अलग अलग मुख्तलिफ लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन सबको एक साथ लाने की जब भी कोशिश होती है, जब भी ये प्रयास होता है, तब उसमें मैं बड़े ही फक्र के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि साहित्यम उसमें अग्रसर रहा है। और उतने ही फक्र के साथ ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक तिवारी जी और संदीप डिप्सन का ये पोएटिक आत्मा का ये जो एक इन्होंने वाकई आत्मविभोर करने वाला जो एक फैसला लिया है वो भी बहुत आगे है, और सबको जोड़ने का, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास ये ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवा देता हूँ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं एक महिला बैठी हुई, ये हमारी बहुत अच्छी मित्र और बहुत अच्छी कवित्री, आज देश में सर्वाधिक मंचों पे जाती हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई राष्ट्रीय न्यूज चैनल नहीं है
जहां पर इन्होंने काव्य पाठ ना किया हो, और मुख्तलिफ अलग अलग मुद्दों पे। और मैं इसलिए भी इनकी ज्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि इन्होंने हमेशा मौलिक काव्य को हमेशा ज्यादा तवज्जो दी है, उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी है। और मैं मुस्कान माधुरी जी की बात कर रहा हूँ, आप सब लोग का मैं ध्यान चाहूंगा मुस्कान जी की तरफ जाए। और मुस्कान जी बहुत मौलिक लिख रही हैं, प्रेम और श्रृंगार की कवित्री हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पे जाती हैं, युवाओं में खासकर इनका क्रेज बहुत ज्यादा है। तो मुस्कान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो जिनसे मैं कहूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो बहुत छोटी स्टेटमेंट होगी, बहुत बहुत कम होगा। मैं अगर ये कहूं कि एक पूरे युग ने बहुत ज्यादा सीखा है, तो शायद मैं कुछ इंसाफ कर पाऊं उनके तारुफ में। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विनोद प्रसून की। डॉक्टर विनोद प्रसून आज शिक्षा व्यवस्था में बहुत दशकों से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी के लेखक हैं, हिंदी में बहुत सारी किताबें उनकी आ चुकी हैं, और सबसे प्रमुख बात कि हिंदी में कक्षा 8 कक्षा 9 तक की जितनी किताबें आती हैं सीबीएसई की, उसमें इनका हस्तक्षेप होता है। इस इनके नॉलेज के बिना, इनके इनके अध्ययन के बिना वो किताबें आपके बच्चों तक नहीं पहुंचती हैं। और हिंदी को, माँ हिंदी की सेवा करते हुए ये देश विदेश में अपने काव्य पाठ भी कर रहे हैं और हिंदी के ऊपर चर्चाएं भी कर रहे हैं। आपने गल्फ में खाड़ी बहुत सारे खाड़ी देशों में हिंदी के वाइट पेपर्स प्रस्तुत किए हैं, और काफी इन्होंने काम किया है उसमें। विनोद जी, आप सब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में, और मैं चाहूंगा धन्यवाद कि हम आशीष जी, बहुत सब, बहुत धन्यवाद आशीष जी, हाँ, धन्यवाद आशीष जी। मेरी बिल्कुल ये आशा है कि आपसे बात करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद मैं चलता हूँ, हमारे बीच में एक दाढ़ी वाले बाबा बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं जिनको, और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र तो हैं ही, ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे मित्र हैं, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है, जो उर्दू में आप जितना भी कुछ लिख रहे हैं, आपसे हमने इतना जरूर सीखा है, और पूरी एक युवा पीढ़ी ने सीखा है, बहुत सारे युवा आज की डेट में सुमित सिंह, कासिम दहलवी जैसा सिंह खुलूस होता है, उनके शुक्रिया आशीष भाई, शुक्रिया। आपका ही साथ सौभाग्य नहीं जुड़े है, हुए, मेरा भी सौभाग्य है कि आप मेरे मित्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुमित भाई की मैं तारीफ ज्यादा तो क्या ही करूंगा, मेरे मित्र हैं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता भी नहीं है, इनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है कि इस तर... लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आज अगर उर्दू लिखने की बात होती है, और अगर कोई गजल मात्राओं की बात कर रहा है, कोई बहरों की बात कर रहा है, कोई काफिय रदीफ नुक्तों की बात कर रहा है, तो वो एक जो धारा है, जहां अगर मैं कहता हूँ वो गंगा निकल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका स्तोत्र जो गंगोत्री है, वो सुमित सिंह हमारे कासिद दहलवी साहब होते हैं। और उसके बाद एक ऐसे शख्स की तरफ आप सबका तारुफ, आप सबका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जिस शख्स को यहाँ तक लाना मैं मानता हूँ कि पोएटिक आत्मा का, साहित्यम का एक बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम उसे आप सब तक इस सत्र में ला पाए। उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि जब हम बहुत सारे तारे होते हैं और सब तारे अपनी अपनी काम कर रहे होते हैं, सब इस्तेमाल सब रोशनी दे रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा तारा होता है जो युग युगांतर तक आसमान में एक एक बिंदु पे स्थिर रहता है, और उसको लोग कहते हैं ध्रुव तारा। और वो ध्रुव तारा जब कोई राहगीर, जब किसी की कश्ती जब समुद्र में कहीं खो जाती है, तो वो उस ध्रुव तारे को देखकर अंदाजा लगाता है कि अब हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। एक ऐसे ही युग कवि की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे ही युग रचनाकार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर चेतन आनंद की। डॉक्टर चेतन आनंद आज पिछले 3 दशकों से, 30 सालों से मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। इसके साथ साथ गुरु और शिष्य परंपरा को जिन्होंने वाकई जीवंत कर रखा है, आज हम सभी लोग रामायण, हमने रामानंद सागर की देखी, और हमने उसमें एक चीज सबने देखी, हालांकि मैं तो बहुत सालों से रामायण का अध्ययन और देखता आ रहा हूं, लेकिन मैंने जो देखा लोगों को, युवाओं को देखते हुए, कि वो एक गुरु शिष्य परंपरा को समझ पाए। इस गुरु शिष्य परंपरा को अगर आपको बहुत छोटे प्रारूप में समझना है, तो
तो आपको सिर्फ डॉक्टर चेतन आनंद से थोड़ी सी बात करनी है, तब आपको पता चलेगा कि गुरु शिष्य सभ्यता क्या होती है, इन्होंने कैसे उसे अपने दिल में अपने जीवन में उतार के जीवित करके रखा हुआ है। और डॉक्टर चेतन आनंद गजलों के गीतों के एक बेताज बादशाह हैं, इनसे इनके सिर्फ चरणों भर में बैठकर आप इतना कुछ सीख सकते हैं जिसका कोई था नहीं है, और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत 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 शुक्रिया आप इस सत्र बहुत में बहुत आए। आभार आशीष जी, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ज्यादा मेरे बारे में कहा तो मुझे लग रहा है कि हवा जो है ना वो धूल पे और फूल पे दोनों पे एक समान चलती है, लेकिन आपने धूल की जगह फूल पे ज्यादा हवा जो दिखा दी है। लेकिन आपका प्यार है और इतना सम्मान आप देते हैं तो हमेशा खुश रहिए, उन्नति कीजिए, और मुझे बड़ा खुशी होती है आपके बीच आके। आज भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। तो दोस्तों आज जो हमारा जो सत्र है, आपने हम सारे कवियों को अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर सुना हुआ है। डॉक्टर विनोद प्रसून दूरदर्शन पे बहुत आ चुके हैं, आज के किसी भी टीवी चैनल को आप उठा के देख लें, डॉक्टर चेतन आनंद आपको दिखेंगे। अभी हाल में ही आप डॉक्टर चेतन आनंद को आपने News 24 में, R9 में, बहुत सारे चैनलों पर देखा। मुस्कान जी को भी आप देखते रहते हैं, कासिद जी को भी आप देखते रहते हैं, और मुझे भी आप मुख्तलिफ अलग अलग। तो आज कविताओं से ज्यादा कविताओं की बात होगी। आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि कविताएं, ये जो साहित्य है, ये किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इस सत्र में आगाज करने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विनोद प्रसून साहब को। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद पुनः आशीष स्वागत। जी। जी और बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद आशीष एक जी। जी तो डॉक्टर साहब जी एक मेरे जहन में हमेशा एक प्रश्न आता है, और वो जी प्रश्न ये है कि आप हिंदी के अध्यापक हैं, और मैं आपके आमंत्रण पे DPS में भी आया हूँ एक शो को जज करने के लिए, जी और बिल्कुल मैंने जिस तरह से देखा आपने, कितने दोस्तों मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब के अगुवाई में वहां पर बच्चे, 7th 8th क्लास के बच्चे, और एक सिर्फ एक स्कूल से नहीं, मेरे ख्याल से वहां पर करीब 22 स्कूल DPS के अलग बिल्कुल अलग ब्रांचेस से अलग से आए थे, और वो संस्कृत में विज्ञापन प्रस्तुतिकरण कर रहे थे संस्कृत में। तो ये जी एक जी अनूठा वो था। मैं एक चीज समझने में बड़ा, ये मेरी शायद छोटी बुद्धि का फेर है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आपने आज अंग्रेजीकरण के इस युग में इतने अच्छे से जी हिंदी की सभ्यता को बच्चों तक कैसे पहुंचा कर रखा हुआ है। जब हम अपने भांजे भांजियों से बात करते हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कभी अगर ये तक बोल दूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तभी वो कह देते मामा एक बार दोबारा बोलिएगा। आप किस तरह से जी संस्कृत, हिंदी और इतनी भाषा पे इतनी अच्छी पकड़ लेते हुए आप इन बच्चों के साथ जो 6th 7th क्लास के हैं, 8th क्लास के हैं, कैसे कर रहे हैं, प्लीज इस पे कुछ ज्ञान दें। देखिए, जो भाषा का जो बीज है ना वह प्राइमरी कक्षाओं में अंकुरित होता है। प्राइमरी में कितना अच्छा आप पाठ्यक्रम वहां पर बच्चों को दे रहे हैं, और पाठ्यक्रम भी क्या होना चाहिए ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहती है कि एक अध्यापक को ना पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होना चाहिए। तो अगर हम उस अधिकार का प्रयोग करें और प्राइमरी स्तर पर अगर पाठ्यक्रम अच्छा बना लें जहां लयात्मकता हो, बच्चा लयात्मकता बहुत पसंद करता है, भाषा की ओर जब जी जी बढ़ता है ना बच्चा, वो रुचि जो बढ़ती है, मान लीजिए नर्सरी के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, वहां तो राइमिंग है केवल, वहां राइमिंग जितना कर देंगे, प्रेप में अगर हम पढ़ा रहे हैं या फर्स्ट में अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर कहीं लयात्मकता अधिक होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं उन चीजों को शामिल किया जाए, जैसे मैंने कई जगह करवाया भी है। एक बात देखिए कि हम सामान्यतः ना जो अबोध बालक है, जो जब वो वर्णमाला सीखनी शुरू करता है ना, तो अंग्रेजी ने यह प्रयोग बहुत पहले शुरू कर दिया था। अगर अंग्रेजी में बच्चे से हम कहें ना प्ले स्कूल में जाना शुरू करें, तो बच्चा आके ठुमक ठुमक के सुनाता है, ABCDEFG HIJK LMNOP UVWXYZ, और हमारा बच्चा ना अ आ अ से अनार, आ से आम, इस प्रकार सीखता है। तो मैंने जो अनुरोध किया और मेरे अनुरोध को स्वीकार किया गया, ये मेरा सौभाग्य है। कई जगह मैंने क्या किया, इसको राइमिंग बनाया, इसको लयात्मक बनाया, मैंने कहा अ आ ई ई उ ऊ री,
क्या बात है, अंगा वाह का वाह वाह, खा घा छ झ झ ट ठ ड ढ त थ मुझे द धन डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मुझे फिर से याद प करनी चाहिए काका गागा आई। इस प्रकार जब बच्चे से हम बचपन से खेलेंगे उसके कान में जब रस घोलती हुई यह ध्वनि जाएगी ना, परिचित होगा इस ध्वनि से, तो कहीं इस भाषा की ओर बढ़ेगा। तो मेरा अनुरोध यही रहता है कि प्राइमरी स्तर पर पाठ्यक्रम ऐसा बनाएं जहां लयात्मकता हो। अब यह ये वह वे का अंतर बड़ों बड़ों तक तो नहीं आता है। और अगर हम बच्चों में ही वह संस्कार डाल दें, देखिए राइमिंग कर दें कैसे, और इसको पाठ्यक्रम में शामिल करें, जैसे यह वह एक है, ये वे अनेक हैं, मैं हूं आप हैं तुम हो। अब सारे उसके जो भाषिक संस्कार है ना, जो जो आधार है वह चला जाएगा। कैसे, यह के साथ है लगाना सीख जाएगा, ये के साथ है लगाएगा, आपके साथ है का प्रयोग करेगा, आपके साथ ये का प्रयोग करेगा, आपके साथ वो नहीं कहेगा कि हो आप क्या कर रहे हो। तो जो कहीं भाषिक संस्कार भरने वाली बात है वह प्राइमरी स्तर पर होनी चाहिए। और जहां राइमिंग हो, जहां बच्चे कविताएं बनाएं, एक पंक्ति आपने दी, एक पंक्ति बच्चों से आप कक्षा में बना रहे हैं, कक्षा जो भाषा शिक्षण है आशीष जी, वह केवल उसमें नहीं सिमटना चाहिए कि केवल लिखने भर, क्योंकि कौशल तो चार हैं। हम कहीं बच्चों हर कौशल के विकास पर अगर ध्यान दे रहे हैं, जैसे आपने उस प्रोग्राम में देखा था, बच्चे गीत भी बना रहे थे, बच्चे उसकी लय भी बिल्कुल बना रहे थे, बच्चों ने संगीतबद्ध उसको किया था, ये सारी चीजें हैं भाषा शिक्षण में। अगर हम इसका पालन कर रहे हैं तो कहीं बच्चों के अंदर भाषा का बीज अंकुरित कर देंगे और बच्चों की रुचि उसमें बढ़ जाएगी। और भाषाओं का ना आपस में आशीष जी वैर नहीं है कुछ भी। मैंने बहुत पहले लिखा था कि इस जगती में भाषा का उपहार मनुष्य के पास निराला, और जीवन का अंधियारा हर कर भाषा ने ही किया उजाला। इस उजियारे में कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया है, और इसकी अद्भुत क्षमताओं ने जग को सुंदर रूप दिया है, और हाँ इससे हाँ हाँ जीवन ने पाया है सुंदर और सुंदरतम रूप, और जीवन की मनहर हरियाली में भाषा है स्वप्निल धूप, और क्या संस्कृत बात, हिंदी इंग्लिश उर्दू अरबी जर्मन गुजराती अरबी जर्मन गुजराती और भाषा चाहे कोई भी हो, हर कोई मन को भाती, और नहीं किसी हाँ से हाँ हाँ वैर किसी का, नहीं किसी से वैर किसी का, हर कोई मन को भाती, और अपनी ममता इस धरती के कण कण में बिखराती है, और सीख इन्हें संस्कृति को जानो, क्योंकि भाषा संस्कृति की वाहक है, जुड़ी हुई है, सीख क्या इन्हें बात है, संस्कृति को जानो, जीवन रसमय मोदित हो, और भाषा मानव मानवता का नाता महिमा मंडित हो, नाता महिमा क्या बात मंडित है, हो, नाता महिमा। वाह तो आशीष वाह जी, वाह, अगर कहीं हम बच्चे के मन में भाषा के प्रति रुचि जगाने में, अगर धन्यवाद चेतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर, आशीष जी, तो कहने का अर्थ यह है कि बच्चे को जो चारों भाषिक कौशल हैं पाठ्यक्रम में उनका समावेश होना चाहिए। हम प्राइमरी स्तर से ही अगर इसको लेके चल रहे हैं तो बच्चा उसमें रुचि लेता है, बच्चे कविता रचने लगते हैं। मैं कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कविता रच रहे हैं और उनकी कविता मुझे प्रभावित करती है, मेल पे भेजते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। जैसे अभी एक बच्ची 12th करके चली गई है, जया, और बहुत अच्छा लिख रही है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि भाषाओं का आपस में वैर नहीं है। अगर एक उसमें सोच सकता है तो आज तो वैश्वीकरण का दौर है, कितनी ही भाषा सीखे, बस अपनी जो भाषा है हिंदी उसके प्रति मन में सम्मान रखे, उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और वैश्वीकरण के इस दौर में भाषाएं तो कितनी आ जाएं, अच्छा है आशीष जी। मैं डॉक्टर साहब आपकी इस बात पे मुझे कुछ याद आता है, मेरे एक मित्र जी हैं और बॉलीवुड में काफी एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं और जी मिर्जापुर और बहुत सारी सीरीज में आ चुके हैं, डॉक्टर श्री राजेश तारांग साहब, तो उनके जी साथ उठना बैठना होता है, आप सभी लोग मेरे ख्याल से जानते भी होंगे, साहित्य जी में भी जी आ चुके हैं वो। तो जी जी डॉक्टर साहब जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने जी राजेश तारांग साहब से एक बार थिएटर्स के ऊपर बात करी कि आप थिएटर्स में, और जो लोग हमें इस माध्यम से आज पोएटिक आत्मा पे और साहित्य पे सुन रहे हैं वो भी ये बात ध्यान दें कि उन्होंने जो बोला कि जब हम नाट्य क्रम की बात करते हैं, जब हम बिल्कुल नाट्य विद्या की बात करते हैं, जब हम स्टेज पे जाने की बात करते हैं, तो हमारे पास
बॉडी बच्चे ध्यान बहुत देते हैं कि मेरी बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक एब होने चाहिए, जी और हमारे पास तो खैर फैमिली जी पैक है, आप सभी लोग जानते हैं, तो सिक्स पैक एब होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, तो लेकिन कोई भी इस बात के ऊपर जोर नहीं देता कि आवाज की ट्यून हमें भी संभालनी है। तो जो आपने बात करी कि जी ये जो चार स्तंभ हैं, जब हम हिंदी की बात करें, तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि हम किस जी तरह से उसका वाचन कर रहे हैं। तो वो जो वाचिक बिल्कुल परंपरा जो खोती जा रही है धीरे धीरे, जिसके आप लोग आप सब आधारशिला हैं, मैं डॉक्टर चेतनानंद को आधारशिला कहता हूँ कि वाचिक परंपरा की, उन्होंने पूरी पूरी एक नस्ल को देखा है, तो आप लोगों ने वो पूरी नस्ल को देखा है, तो हम ये बात बताते नहीं बच्चों को कि आपको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करना है, आपका जो उच्चारण है, आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही, और आप तो मंचों पे भी बहुत जाते रहते हैं, मुझे याद है मैं आपकी बहुत पुरानी क्लिपिंग्स दूरदर्शन की देख रहा था। मैंने एक चीज और जी जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपसे और आपका समय लूंगा इस बात पे, कि नहीं नहीं मेरा सौभाग्य जी जो भाषा का स्तर है, मैंने देखा कि जी आपने जो जिस स्तर के साथ आप चले थे, एक जी दशक पहले की वीडियोस देखता हूँ, और जी जिस भाषा स्तर के साथ आपने आपने अपनी यात्रा शुरू करी थी, उस भाषा जी के स्तर को आपने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब हम बात करते जी हैं, अगर मैं किसी इतिहास की घटना की बात करूं कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कुछ लिखना है या हमने चाणक्य के ऊपर कुछ लिखना है, तो हमारे शब्दों में प्रतीक्षा ही आएगा, इंतजार नहीं आ सकता, अगर मैं जी काव्य की बात करूं, क्योंकि हम जी एक ऐसी घटना को बता रहे हैं जहां पर उस भाषा का मौलिक होना बहुत जरूरी है, वो उसी जी परिवेश में अच्छी लगेगी जहां पर जहां से हम उसे लेकर आ रहे हैं। मैं जी आज देखता हूँ, जब बहुत सारे युवा रचनाकार मुझसे भी जुड़े हुए हैं, जब वो बात करते हैं, तो अचानक वो भगवान राम के ऊपर कुछ चित्रण कर रहे हैं, और करते 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 कुछ उर्दू के शब्द आ जाते हैं, हालांकि भाषा का किसी जी भाषा से बैर नहीं है, लेकिन ये वैर जो नहीं जो है जो भाषीय स्तर जो बना के रखना है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये कहाँ पर जा रहा है, मतलब ये क्या हिंदी का अंग्रेजीकरण हो रहा है, या हिंदी का उर्दूकरण हो रहा है, या उर्दू का हिंदीकरण हो रहा है, प्लीज आपको। देखिए, मेरा मानना है कि एक तो जैसे मैंने अभी कहा था कि भाषा संस्कृति की वाहक है। ये तो हमारी भाषा जो हिंदी है बड़ी उदार भाषा है, और अगर इसने अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित किया है तो यह इसका मतलब एक बड़प्पन है, एक महानता है कि इस भाषा ने उसको स्वीकार कर लिया, और उसके साथ आज इसके अंदर माधुर्य है, उर्दू का माधुर्य इसके अंदर है। अंग्रेजी के जो प्रचलित शब्द हैं आपने देखा होगा बहुत प्यारे लगते हैं, मान लीजिए अब जो प्रचलित हो चुके हैं इसमें, तो भाषा का ऐसा वैर नहीं है। और भाषा ना चिर परिवर्तनशील है आशीष जी, बह रही है समाज में, और जो चीज बह रही है ना उसको आप किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते। हाँ, हमें जो अशुद्ध भाषिक प्रयोग है उन पर जरूर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए, बाकी भाषा को बहने दें, उससे चिंतित नहीं हो। भाषा बहते हुए जो सौंदर्य और जो आकार लेती है वो एकदम अनूठा होता है। अगर ये बहती नहीं ना, चिर परिवर्तनशील भाषा नहीं होती, तो मैं समझता हूं कि ये तो वहीं रुक गई होती, अभ्रंश पे रुक गई होती, है ना, आती नहीं आगे। अगर ये बंध जाती, जैसे हवा नहीं बन सकती, जैसे बहता हुआ पानी को हम बहुत अधिक नहीं बांध सकते हैं, वैसे ही भाषा है, भाषा को बहने दें, भाषा बह रही है उससे चिंतित नहीं हो। बस हाँ, हमारा दायित्व तो यह है कि जो अशुद्ध प्रयोग हावी हो रहे हैं उन पे थोड़ा देखें, उनको करें, जैसे आजकल मेरे को तेरे को इस प्रकार की अशुद्धियां जो आ रही हैं, आपके साथ हो का प्रयोग जो चल रहा है, आप मुझे यह पाठ पढ़ा दो, या आप बहुत अच्छे लग रहे हो का प्रयोग आपकी दृष्टि से क्रियात्मक अशुद्ध क्रियात्मक शुद्धि नहीं है, वहां क्रियात्मक अशुद्धि आ गई। हमें इन प्रयोगों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी अगर भाषा का प्रयोग अगर सहज हो रहा है, जहां हम जैसा प्रयोग कर रहे हैं उसका अपना सौंदर्य है, और एक जो भाषा का जो रूप जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, कि अगर हम तत्सम शब्दावली में लिख रहे हैं तो फिर वो तत्सम वाला जो माधुर्य वो होना चाहिए, अगर हम मिलीजुली गंगा जमनी उसमें लिख रहे हैं तो फिर वो गंगा जमनी वाला सौंदर्य आना चाहिए। हर एक का अपना सौंदर्य है, बस उस सौंदर्य को बनाए रखना है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं, हमारी भाषा वो ही रहनी चाहिए, हम गंगा जमनी उसको अपना रहे हैं भाषा को, तो उसमें हमारा उर्दू का प्रयोग भी चलेगा, उसमें हल्के फुल्के अंग्रेजी शब्द जो हैं, डॉक्टर हो गया, मॉल हो गया, शॉपिंग हो गया, इस प्रकार के शब्द चलते हैं,
तो इससे मुझे लगता है कि भाषा को हमें बहुत अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, भाषा को बहने देना चाहिए, और बह के ही जो सौंदर्य इसका निखरता है वो अपना अद्भुत सौंदर्य होता है। आशीष जी, तो मैं आपकी बात का निष्कर्ष ये निकालता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि भाषा अपने आप युगों के साथ खुद ही परिवर्तित होती रहती है। तो जी जैसे अभी आपने जो गंगा जमनी, उसको आम भाषा में हिंदुस्तानी भाषा कहा गया, उर्दू बिल्कुल भाषा भी नहीं है। जब मैं कोई जी गजल कहता हूँ, मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी भाषा है, ये ना ही उर्दू है ना ही ये हिंदी है। तो जी आपने जो जो बात करी, मैं उस पर, मुझे एक बात किस्सा याद आता है कि मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहा था, तो मेरा जी बेटा आया और कहा कि पापा प्लीज ये कर दीजिए, कोई काम उसने बोला कर दीजिए। तो क्योंकि जी हम लोग कानपुर से आते हैं और थोड़ा देखिए सा कितना उसने, मतलब उसने कैसा प्रयोग किया है भाषा का, यही तो संस्कार है, वो भाषिक संस्कार उसके अंदर चला गया है। मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि यार आशीष ये तो तुमसे बड़ा बड़े आदर से बात कर रहा है, क्योंकि उन्हें इतनी आदत नहीं बिल्कुल थी मुझे इतना आदर सत्कार में देखने की। तो जी ये चीजें नोटिस करते हैं लोग। अब जब बात हिंदी और उर्दू की हुई और आपने बात कही, मैं एक ऐसे शख्स की तरफ जाऊंगा जिस शख्स ने उर्दू की कमान युवाओं के बीच में संभाल रखी है। तो मैंने ये कई बार उनसे बोला भी है, उनसे बात भी होती है, और कई बार मेरी बहुत बहस होती है। मैं बताऊं, उनकी कई गजलें ऐसी हैं, जब गजल की बात आती है वो शुरू करते हैं, तो एक एक शेर पे हमारा पूरी पूरी रात भर डिस्कशन होता रहता है कि ये शेर इस तरह से आना सही होगा या ऐसे आना सही होगा। एक पूरी जनरेशन है जो उनसे मुतासिर है आज के समय में। काशिफ भाई, मैं आपकी तरफ आऊं और आपसे कुछ और सवाल पूछूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे आपसे बहुत रिस्क होती है, बहुत रिस्क होता है। जिस तरह से आपने पूरी पूरी एक पूरी पीढ़ी को संभाल रखा है और वो पूरी पीढ़ी आपसे मुतासिर है, आपसे बात करती है। मैं आपको एक बताऊं, और मैं उस वक्त पूरे नेशनल उस पे हूँ और आपको भी, तब भी आपके रास की बात बता रहा हूँ कि हमारा एक मित्र है जो हमारा छोटा भाई है, जो भी अपना बड़ा भाई मानता आता ही मानता है, उसने मुझसे एक गजल डिस्कस करी था। तो मैंने उसमें कहा कि इसकी बहर बहर अगर चेक करवाना हो कि काशिद भाई से बात कर लो। मैं काशिद भाई से बात नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? अरे काशिद भाई तो पूरी पूरी गजल खारिज कर देते हैं, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तो इतना आपने जो डरा के रखा हुआ है पूरी जनरेशन को, आपको क्या लगता है, मतलब ये जो भाषा, देखिए आजकल तो सब कुछ चल रहा है, आज मैं भी वीडियोस देखता हूँ, आप भी वीडियोस देखते हैं, वहां पर तो ये भी चल रहा है कि मुझे इश्क नहीं मुझे प्यार चाहिए। अब उनसे मोहतरमा से कोई पूछे कि इश्क और प्यार में क्या फर्क है भाई, अगर वो समझा सकती हो तो। आप इतना जब स्ट्रेस देते हैं, और मुझे इस बात पे बहुत, मैं सबको बताऊं जोक सपाट, लेकिन जब जब इस भाषीय स्तर के साथ, गजल बन के आती है, निकल के आती है, तो वो उस गजल का जो लुत्फ होता है वो अलग होता है, उसकी जो ब्यूटिफिकेशन होती है वो अलग होती है। तो आपको क्या लगता है ये जो जनरेशन में खोता जा रहा है, या मतलब हाउ डू यू टेक इट, आप उसको बच्चों के तक कैसे पहुंचाते हैं? ये जो नई जनरेशन आ रही है उसका, उसको आपने कैसे मुतासिर कर लिया उसके साथ? आशीष भाई आपकी आवाज रिपीट हो रही है, वो एक बार बस चेक कर लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना म्यूट करके देखता हूँ, मुझे लग रहा है सुमित भाई के इससे प्रॉब्लम है ये। सुमित भाई अगर आप लाइव ईयरफोन लगा निकाल दें, सुमित भाई अगर आप, क्या आप लाइव सुन रहे हैं क्या लैपटॉप पर? नहीं नहीं मैं प्रॉपर नहीं सुन पाऊंगा, लैपटॉप में नहीं सुन रहा हूँ, मेरे मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास में सिर्फ फोन है। ठीक है सुमित तो भाई, क्या कैसे? ठीक आप है, ये निकाल सकते हैं क्या? क्या नहीं भाई, आपके आप कैसे आ रहे? सुमित भाई की आवाज ठीक आ रही है, आशीष भाई जी आपके एंड पे डबल आ रही है। मैंने अभी अपना म्यूट कर दिया है, अब एक बार सुमित भाई अब जब बोलेंगे अब म्यूट करने के बाद, तब आप देखिएगा आवाज को। मेरी तरफ से ठीक आ रही है आवाज, परफेक्ट इतना पहले ही परफेक्ट बता परफेक्ट दिया। परफेक्ट है, परफेक्ट तो शुरू करूं या आप पूछेंगे? तो आशीष भाई इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। मैंने आपको कल कम से कम 500 पेज का अपना तारुफ लिख करके दिया था, आपने सिर्फ उसमें से 100 ही शब्द पढ़े हैं।
बाकी सारा अपने चेतन सर को और मुस्कान जी को और विनोद सर को दे दिया। मेरे मैंने मतलब इतना लंबा लिखा मैंने उसका, आपने मेरे को कुछ चला नहीं दिया। खैर चलिए, ये तो मैं आपसे लड़ाई करता रहूंगा, आप मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं। देखिए आशीष भाई, जहां तक आपका जो सवाल है कि इतने इतनी कड़ाई क्यों होनी चाहिए, मैं जहां तक मैं समझता हूँ, मैं बहुत सारे आज के लोगों से मिलता हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ, लोग पूछते हैं, मैं भी उन्हें बताता हूँ, मुझे जो चीज समझ में आती है उसका मेन चार्म है दो। पहला चार्म है उर्दू और दूसरा चार्म है गजल। अगर आप देखें आज के नई जनरेशन, अगर 100 लोग कवि बनना चाहते हैं, साहित्य की तरफ आना चाहते हैं, उसमें से 80 लोग गजल कहना चाहेंगे और उस 80 में से 60 लोग 65 लोग होंगे जो खालिस उर्दू में गजल कहना चाहते होंगे। पॉइंट नंबर एक, जो लोग हिंदी में कहना कुछ चाहते हैं वो सीधा पहुंच जाते हैं ओज की तरफ, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बल दिखाना, वहां पहुंच जाते हैं। जो इन दोनों के बीच में जो हमारी छंदकारी और जो दूसरी विधाएं हैं वो किसी तरीके से मतलब आप समझिए कि वो पनप नहीं पा रही हैं। तो जब मैं इस चीज को देखता हूं कि आपका इतना ज्यादा रुझान है उस पीढ़ी का गजल की तरफ, उर्दू की तरफ, तो आपका दखल, जैसा विनोद भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं कि भाषा सारी मधुर है, उर्दू मधुर भाषा है, हिंदी मधुर भाषा है, इवन अगर आप और मैं खड़ी बोली में बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा किसी को भी कि वो भाषा कर्णप्रिय नहीं है। ये सब कुछ हमारे समाज ने किस भाषा को किस रूप से स्वीकार कर लिया है, कहाँ पे स्वीकार कर लिया है, ये उस बिंदु के ऊपर बात आकर के रुक जाती है। अब मैं देखता हूँ किसी युवा को कि वो गजल सीखना चाहता है, उर्दू में कहना चाहता है, तो फिर उसको उर्दू की अपनी एक नजाकत है। अब अगर मैं आपको कहूं इशक, तो वो बहुत कानों को चुभेगा, लेकिन अगर मैं इसको कहूं इश्क, अगर मैं कहूं नजर, ये चुभेगा, अगर मैं कहूं नजर, तो ये जो अब ये नुक्ताचीनी जो है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं उर्दू में, अब ऐसे बहुत सारे शब्द और कई जगह पे उर्दू ऐसी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि आपका तलफ्फुज उस शब्द के अर्थ बदल देता है। अगर मैं कहता हूँ अजल तो उसका मतलब है मृत्यु, लेकिन अगर मैं कहता हूँ अजल तो उसका मतलब है जन्म। तो आप समझ रहे हैं कि वहां पे ये नुक्ताचीनी क्यों जरूरी हो जाती है। दूसरी चीज, इसके परे अगर हम इस चीज को मतलब और थोड़ा सा मैं इसको दूसरे नजरिए से अगर मैं देखना चाहूं, तो जो आज का जो बच्चा है, आज का जो लड़का है जो गजल कहना चाह रहा है, उर्दू में कहना चाह रहा है, उसको अब वो क्या है कि वो पूरी तरीके से उर्दू नहीं जानता है, ठीक है, और मजे की बात ये है कि वो पूरी तरीके से हिंदी नहीं जानता है। जो बात अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, विनोद भैया हमको बता रहे थे, ये वहीं पे मतलब वही एक लकीर खींची हुई है जहां पे बीच में आकर के युवा फंस जाता है। अब अगर मैं आपको एक मिसरा कहूं कि मैं इस कार्य को अंजाम दे सकता हूं, ये कितना अटपटा लगेगा, मैं इस कार्य को अंजाम दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं कहूं मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूं, या मैं कहूं कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूं, ये जो डिफरेंस है, इसको समझने में मेरे हिसाब से देखिए, रदीफ, काफिया, बहर, वजन, ये सारी चीजें अगर गजल या काव्य या साहित्य एक एक महिला है तो ये जितने भी इसके बहर, वजन, छंद, रदीफ, काफिया, बाकी नियम, ये सब उसका श्रृंगार है, ये सब आते आते आता है। मेन मुख्य चीज होती है उसका, उसके काव्य को करने का उसका भाव। आपका भाव ठीक है, अगर आपका भाव ठीक है तो वो भाव दूसरे वाले को, सामने श्रोता को तभी मिलेगा जब उस भाव की कहन सही होगी। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर मैं कहूं कि ये कार्य को मैं अंजाम दे सकता हूं, गलत है वो। अब आप देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जहां तक आप, धन्यवाद दादा। अब आप सोचिए कि हम बात करते हैं प्रतीक्षा की,
प्रतीक्षा के बाद जब थोड़ा रिचनेस आई भाषा में और हम हुए थोड़ा और परिपक्व हुए, हमने इंतजार कर दिया उसको। आज के समय में इंतजार नहीं होता है दोस्त, आज के समय वेट होता है, हम वेट कर रहे हैं। और आज के समय में साहित्य ने अंग्रेजी शब्दों को भी बहुत भली भांति बहुत अच्छे से गले लगा लिया है। कोई गुरेज नहीं, आप चाहे गजल ले, कविताएं ले, हिंदी की कविताएं ले, छंद मुक्त कविताएं ले, मुक्त छंद कविताएं ले, सब में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मेन बात, मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी रचना, अब जैसे महाराणा प्रताप के लिए हम काव्य कहना चाहते हैं और वहां पे हम इंतजार, इश्क ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो चीज गलत है। वहां से फिर ये रीजन है मेरा सबसे बड़ा कि मैं कहन पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ, उसके बाद में ये बहर, रदीफ, काफिया, ये आशीष भाई, ये बहर, रदीफ, काफिया, वजन, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको आ सकती हैं, ये आप सीख सकते हो, आप पढ़ के सीख सकते हो, आप समझ के सीख सकते हो। लेकिन भाषानुगत जो गलतियां हैं वो गलतियां हैं जो केवल और केवल अभ्यास से ही जा सकती हैं। और इनको, ये ऐसा नहीं है कि आपने, मतलब मैं रदीफ काफिया के लिए क्लास ले सकता हूँ, मैं एक घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, वो समझ में आ सकता है। लेकिन भाषा आपकी बनाने के लिए, भाषा एक प्रोसेस है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो संस्कार बचपन से आने चाहिए। अब वो अगर आगे तक, अब आप सोचिए कि एक 20 साल का लड़का या 20 साल की लड़की जो गजल कहना चाहती है, अब वो, अब दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, खास करके हमारे हिंदुस्तान में जो दूसरा प्रॉब्लम आता है, हमारे साहित्य पर हमारी क्षेत्रीय भाषा का बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है क्षेत्रीय भाषा का। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं हिंदी में कोई कविता कह रहा हूं तो मैं वहां पर क्षेत्रीय भाषा को श्रृंगार रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं उसका प्रयोग कर लूंगा और वो खटकेगा नहीं, वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं एक उर्दू पैकर की गजल में क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को डालता हूं तो ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जब डॉक्टर अंतिम समय में मरीज को दवाई देता है कि ये दवाई चल भी सकती है और ये दवाई फेल भी हो सकती है। तो इस ये जो सीमाएं हम लोगों के सामने जो हमको मिलती हैं, अब जैसे मेरे को बहुत बिहार प्रांत के बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे बात करते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, उनको बोलते हैं, अब वो अब उनका उनके साथ में रा की प्रॉब्लम होती है, लिंग का बहुत दोष होता है। आप बिहार के बच्चों को छोड़ दीजिए, आप, मैं बताता हूँ हिंदुस्तान में नया बच्चा जो नया गजल कह रहा है या साहित्य कह रहा है, उनमें बहुत सारे लोगों में स्त्रीलिंग, पुलिंग, एक वचन, बहुवचन को लेकर के आज भी संशय है। दुनिया कलम को, आधे से ज्यादा लोग कलम को स्त्रीलिंग मान करके अपनी कविताएं कहते हैं, आधे से ज्यादा लोग, कलम पुलिंग होता है, कलम होता है, दगा उर्दू में होती है, हिंदी में होता है, दगा दिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन उर्दू में ली जाती है और दी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम यहाँ पर आकर के अटकते हैं, क्योंकि मैं एक बार, हम किसी काव्य में बहर, रदीफ, काफिया को हम नजरअंदाज कर देंगे, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना आजाद ख्याल है, नज्म है ये। आजकल तो ओपन माइक ने एकदम परिभाषाएं बदल दी है साहित्य की, हम वो किया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं वो मिश्रा ही गलत बोल रहा हूँ, मेरे दो बड़े भाई, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, आप मेरे मित्र हैं, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो मेरे को आप मेरे को करेक्ट कीजिए कि अगर मैं वो मिश्रा ही गलत बोल रहा हूँ जिसका व्याकरण ही गलत है, तो क्या वो चीज कभी परोसी जा सकती है? वो चीज कभी परोसी नहीं जा सकती है। ये कारण है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगता है कि मैं गजल की गजल खारिज कर देता हूँ या मेरे को समझ में नहीं आता है। दूसरा, जब हम गजल कह रहे होते हैं या हम नज्म कह रहे होते हैं, हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, हमारे पास में अपनी बात कहने के लिए सिर्फ दो ही पंक्तियां हैं, सिर्फ दो लाइन है, हमको उस दो लाइन में अपनी बात, पूरी बात प्रभावी ढंग से बोलनी चाहिए। अब कोई शेर है, अब वो शेर क्या जो दिल में अगर ना घुस जाए तो,
वो शेर ही क्या, अगर आपने फ्लैट अपनी बात कह दी तो ये कहन, मैं समझता हूँ कि ये चीजें काफिया, रदीफ और बाकी दूसरे शिल्प सीखने से ये चीजें आना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार बिना वजन के, बिना बहर के आप कोई काव्य कह देंगे, हो सकता है कि वो रवानी में आकर के अच्छा लगे। दादा जानते हैं, चेतन दादा जानते हैं, हम लोग जब मिलते हैं लोगों से, कितने हम लोगों बेबहर बच्चे मिलते हैं, लेकिन कई ऐसे मिलते हैं कि जो रवानी में ऐसा पढ़ रहे होते हैं कि हमें ये आश्चर्य हो जाता है कि इन्होंने किस बहर में कह दिया है इसको, या कैसे कह दिया है। और वो बच्चा बोल रहा होता है कि नहीं दादा, मैंने तो खाली मन के भाव कहे, वो परोसा जा सकता है, लेकिन एक गलत मिश्रा, गलत व्याकरण, मैं नहीं परोसता हूँ। अब इसके मेरे को मुझे इल्जाम लगता जाए, आधार लगे, वो भी मंजूर है, गलत मिश्रा नहीं किसी को कहने के की सलाह दूंगा। मेन कारण ये है कि जो मेरे को कहा जाए गजल पूरी टाइप कर देता हूँ, तो मैं मेरे लिए शेर का करेक्ट होना जरूरी है, आपके शेर का मुकम्मल होना जरूरी है, आपकी जो बात कही है वो समझ में आनी चाहिए। आप बहुत अच्छे से बाकी, मेरे तो खेत जल गए, दूसरे सारे के सारे जल गए, ये क्या शेर, क्या बात हुई, आपको याद होगा हमारा बहुत लंबा सुमित भाई, एक सुमित तबसरा भाई, हुआ है। तो जी सुमित भाई, जी आपका आपकी आवाज में थोड़ा सा काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, तो एक बार जरा शायद माइक की अभी लीड वगैरह आप एक बार दोबारा, थोड़ी रोबोटिक सी आवाज आ रही ठीक है, है ये डबल डबल सी। रोबोटिक्स। अगर आप वो एक बार लीड निकाल के दोबारा एक बार लगा कर देखें, उसमें आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी ठीक है। अब ठीक है बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, एक बार एक लड़के का मेरे पास आया कुछ ठीक करने के लिए कि दादा जरा ऐसे देखिएगा। उसमें उसने लिखा था कि आंख रोता है, और उसका उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो जो काफिया चल रहा था वो ता में चल रहा था, होता है, रोता है, सोता है में चल रहा था। तो उसने बड़े उसमें एक शेर लगाया, उसने कहा कि आंख रोता है। मैंने कहा भाई साहब, आंख कभी रोता नहीं है, आंख तो रोती है, आंख तो रोएगी। तो कहता है नहीं, इससे तो मेरा शेर खराब हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बड़ी बड़ी दिक्कत में वो रहा। और इसी बात पे कभी मैंने सुमित भाई, आशीष भाई, एक 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 बच्चे ने मेरे को मिसरा भेजा, उसमें उसने लिखा था कि वसल में इश्क की चाहत कर ली। आप सोच कि वसल में इश्क की चाहत कर ली, वो आग समझ गए, वो आग का आनंद हो गया। तो हम हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कम से गलत मिश्रा सामने वाले को ना कहेंगे। अब इसके ऊपर अब आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आप और मैं, चाहे वो आपका शेर या मेरा शेर हो, हम कम से कम 6 घंटे उस पर तबसरा करते हैं, कितने कितने दागियों के ऊपर बात करते हैं। एक तरीके से हम एक दूसरे की बात तब तक खारिज करते रहते हैं जब तक कि हम दोनों एक बात के ऊपर राजी नहीं हो जाते हैं। तो अब इसके लिए इल्जाम लगते हैं तो लगने दीजिए, लेकिन जो चीज जरूरी है वो चीज जरूरी है। लेकिन एक बात तो है कासिद भाई, इसकी वजह से मंचों का नुकसान जरूर हो जाता है हम जैसे शायरों को। क्या देखिए, कहेंगे इस बारे में? अगर अगर आप मेरे से अगर आप मेरे से बेबाक पूछेंगे, मंचों पर वो एक्चुअली मेरे एक मतलब है कि आप कलम इस जमाने में जो भी देखता है, आप कलम बस आपकी आवाज आनी बंद सुमित हो जी गई की है सुमित आवाज नहीं आ पा रही है, सुमित जी की आवाज नहीं आ रही है। भाई, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। देखिए, मंच की बात होती है जैसे ही, तो ये जो सुखनवर होते हैं, जो शायर होते हैं, जो परिष्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, और हम सभी लोग इस वक्त जो 6 के 6 लोग, 5 के 5 लोग जो जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग उसमें हैं। तो मेरी आवाज तो आ रही होगी आप सबको, मेरी आवाज तो आ रही होगी। तो जी जी कहीं ना जी कहीं हमारा हमारा ये दुख रहता है, और हम ये बात कई बार मुख्तलिफ जगहों पर बोला करते हैं कि सुखनवरों, मैंने एक बार ये शेर कहा था कि सुखनवरों के शहर में देखा, हम ही ने सब कुछ बहर में देखा। तो
हम जो सुखनवर हैं, हमारे साथ ये नुकसान होता है। सुमित भाई हमसे दोबारा जुड़ गए हैं। जी जी सुमित भाई, तो माफ कीजिएगा, इंटरनेट का कुछ इशू था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं बता रहा था कि मेरा ही मैंने ही एक मतलब कहा कि इस जमाने में जो भी बिकता है अब कलम बस वही तो लिखता है। तो अगर आप मंचों की बात करेंगे तो मंचों का तो आपको सीन मालूम ही है। मंचों पे जो देखिए, साहित्य के लिए कलमकार चाहिए, मंचों के लिए कलाकार चाहिए जिसको थोड़ा बहुत लिखना आता हो। साहित्य के लिए वो कलाकार चाहिए जिसको ज्यादा लिखना आता हो और थोड़ी बहुत कलाकारी आती हो। अब ये ये आपने बहुत आपका विवादास्पद बात कह अपना दी। ये आपने बड़ी विवादास्पद बात कर देखिए दी, क्योंकि आज जो मंचों देखिए पे अब बहुत अच्छी जगहों पर पहुंचे हुए हैं, देखिए चेतन सर को मैं देख रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हैं, जरा सी खिड़की में उनकी मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस दौर को बहुत अच्छे से देखा है। मैं चेतन दादा के साथ देखिए अभी लास्ट एक जो जो कार्यक्रम में मंचों था। में जी, प्लीज शुरू करें। जो 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 भी कविगण, जो भी माननीय कविगण जो आज स्थापित होकर के बैठे हैं, वो स्थापित हो चुके हैं। आप समझिए, उन्होंने एक जीवन जिया है तब वो स्थापित हुए हैं। आप नीचे से आते हुए पौध को देखिए ना, आपको पता चल जाएगा। आप जो नीचे से लोग आ रहे हैं उनको आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्थापित क्यों है और ये आज भी नीचे से ऊपर की तरफ क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वैसे भी ये अपना अपना रुझान है आशीष भाई, कि किस तरीके से हमें हम इस चीज को कैसे देखते हैं। अब मंचों का अगर अब नुकसान होता हो तो हो, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप साहित्य साधक हैं या फिर आप सिर्फ मंचों के लिए बने हैं। ये आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आपके पास में आता है, मैं आपसे ही पूछता हूं इस बात को, अगर आपके पास में कोई आता है तो क्या आप उसको सही सही बात नहीं बताएंगे? आपको वो बतानी चाहिए, आप बताएंगे, और बतानी जहां तक पड़ती मैं है, आपको बतानी जानता हूं पड़ती है। आपको बिल्कुल हमारी सही बात बताएंगे। हमारी तालीम जिसने जिसने डॉक्टर चेतन आनंद और डॉक्टर विनोद प्रसून के चरणों में बैठ के गजल कहना सीखा हो या कविता लिखनी सीखी हो, वो इस बात में कोताही बरत ही नहीं सकता कि वो ना बताए आने वाली जनरेशन को। भाई बिल्कुल बतानी बतानी पड़ती है, और मजाक से हट के आप बिल्कुल मैं सही कह सिर्फ रहे ये सोचता हूं, हैं। मैं सिर्फ ये बात सोचता हूं कि मैं कल चेतन दादा के बगल में बैठूंगा, मैं कल प्रसून दादा के बगल में बैठूंगा, या मैं किसी के साथ में रहूंगा, मैं इनको क्या मुंह बताऊंगा, मैं मुंह दिखाऊंगा कि जब इन्हें पता चलेगा कि मैंने कोई गलत मिश्रा या गलत कोई चीज मैंने पास ऑन कर दी और मैंने उसको लेट गो किया कि आप इसको बोल सकते हैं। तो उससे तो अच्छा है कि बिल्कुल मेरे को इल्जाम मिलते रहे। आई एम हैप्पी विद दैट। तो वही बात है कि कितने कितने भार उतारे जाते हैं तब जाके अशार उतारे जाते हैं। तो 4 रात लगती हैं एक एक मिसरे को, तब जाके 2-4 उतारे जाते हैं। तो तब जाके ये दो की चार कहानी उतारे है। जाते हैं। बहुत बहुत खूब। तो मंचों की जहां बात होती है, मेरी एक और मित्र यहाँ पर बैठी हुई है, जो जिनको मैं और कासित भाई दोनों इस बात में बहुत छेड़ते हैं कि भाई इस वक्त राष्ट्र के सारे मंचों पे लगभग आप ही दिख रही हैं। इससे उतरती हैं तो उस पे चली जाती हैं, उस पे उतरती हैं उस चैनल पे चली जाती हैं। तो आप ये सारी चीजें मैनेज कैसे करती हैं? लेकिन इसके साथ साथ जो तारीफ की बात हम हर जगह करते हैं, वो ये कि आपने मुस्कान माधुरी जी ने कभी भी कलम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। यानी जो जो लेखनी में अगर हम प्रेम श्रृंगार की बात कर रहे हैं, तो वो प्रेम श्रृंगार कैसे आना चाहिए, उसको किस सादरता के साथ उतारना चाहिए, वह उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मंचों की जब बात होती है, युवा क्या पसंद कर रहा है, इस टेस्ट को पहचानना बहुत जरूरी होता है। और आगे आने वाले, मतलब मुझे लगता है कि मुस्कान जी के बाद जब हम चेतन जी पे आएंगे तो हमें एक पूरी ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी इसकी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज युवा पूछता है हमसे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि भैया ये समय कैसे बांध देते हो आप लोग, क्या करते हो ये कैसे। तो ये मुझे ऐसा लगता है शिव जी ने एक तीसरी आंख एक साहित्यकार को दी होती है, जो मंच पे जाता है और वो तीसरी आंख से ये इस बात को देख रहा होता है कि इस वक्त जनता क्या चाहती है। तो इसमें जो पांडित्य हासिल किया है मुस्कान जी ने, मैं मुस्कान जी की तरफ इस चर्चा को ले जाता हूँ। मुस्कान जी, आपको क्या लगता है, मंचों का साहित्य
जो साहित्य हम पढ़ते हैं, अगर हम आज निराला को पढ़ रहे हैं या अगर आज हम दिनकर साहब को पढ़ रहे हैं, और दिनकर जी की रश्मि रथी अगर आप एक बार पढ़ लें, उसमें पूरी महाभारत आपको ऐसा लगता है वेदव्यास दोबारा आ गए, तो क्या जो पढ़ने वाला साहित्य है और जो साहित्य आप मंचों पे देख रहे हैं, उसमें इतना डिफरेंस आज कैसे आ गया? आपको क्या लगता है जनता क्या क्या देखना चाह रही है, क्या समझना चाह रही है? मुस्कान जी, मुस्कान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप ईयरफोन इस्तेमाल करिए तो ईयरफोन आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या आप दोबारा उसे लगाएं। There's a lot of disturbance. बहुत हमिंग आ रही है, अगर आप एक बार ईयरफोन निकाल दें उसके बाद आप बात करें तो देखिए। संदीप जी आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि वॉइस रिसेप्शन ठीक आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल सर, मैं बस वही मॉनिटर कर रहा हूँ, मैम दोबारा कनेक्ट होंगे दोबारा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ करीब 5-6 पेजेस पर एक वॉच पार्टी चल रही है फेसबुक पे, और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। से जी मुस्कान जी, पता नहीं हमिंग सी आ रही है, कोई बात नहीं जी, आप बोलना जरूरी तो नहीं लगा रखा आपने, एक और स्पीकर तो नहीं लगा रखा है? हाँ वो बंद करा दो वो वाला। हेलो, आवाज आई? आवाज आ रही है, थोड़ी सी हमिंग आ रही है पीछे से, कोई बात नहीं, आप प्लीज जारी रखें। मेरा सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कि आप क्योंकि मंचों पे बहुत जाती रहती हैं, और हम में से वैसे कोई भी ऐसा नहीं है जो मंचों पे नहीं जा रहा हो, लेकिन क्योंकि जब आप मंच पे जाती हैं तो एक कवित्री के तौर पे, एक देश की उभरती हुई कवित्री के तौर पे आप युवाओं से बहुत मुखातिब होती हैं। मैं देखता हूँ कि वरिष्ठता के तौर पे चेतन भैया के साथ, चेतन दादा के साथ मैंने बहुत सारे मंच किए हैं, विनोद सर के साथ भी करता रहता हूँ, तो चेतन सर अध्यक्षता निभा रहे होते हैं उन मंचों की, तो जब तक इनकी पढ़ने की बारी आती है तब तक वहां पर सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही रह जाते हैं, तो युवाओं से तो मुखातिब होने का हाथ तो आप तो युवाओं के बीच में बहुत जाती हैं और काफी आप चर्चित हैं युवाओं के बीच में, तो उस लहजे से बताएं कि क्या युवाओं के बीच में वो पुराना साहित्य, वो परिष्कृत साहित्य पहुंच रहा है, या फिर युवाओं की अब साहित्य से थोड़ी सी अपनी उनकी दृष्टि हट चुकी है? प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही है, जैसे ही हमिंग बंद हो जाती है तो आवाज भी बंद हो जाती है। हेलो आ रही है अब? जी प्लीज। मैंने कहा कि बाकी डिपेंड करता है हम लोगों, हम युवाओं तक। मुस्कान जी की बात मुस्कान जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, क्या आप माइक्रोफोन हटा के, ईयरफोन हटा के आप डायरेक्टली स्पीकर से बात कर सकती हैं क्या? माफी चाहूंगा, वॉइस में आप एक बार हेलो हेलो बोलती रहें ताकि पता चलता रहे कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। चेतन दादा आप दोनों का भी ना माइक ऑन है, तो उसको एक देखिए क्या क्या फर्क पड़ता है। नहीं चेतन दादा और विनोद दादा का ऑन नहीं है, तो मेरा एक ऑन है। अब आप जब केशव को बुला रही हैं तो आवाज बिल्कुल सही आ रही है, तो मेरे हिसाब से आपको आपको थोड़ी थोड़ी देर में केशव को बुलाते रहना चाहिए। मतलब अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, और मैं बता दूं कि ये आज से नहीं, ये आप जब डिवाइस के पास आ रही हैं तब हमिंग आ रही है।
अच्छा ये द्वापर युग तो नहीं काशिद भाई, ये द्वापर युग से होता आ रहा है। जब जब किसी कन्या ने केशव को बुलाया है तभी उसकी आवाज समाज तक पहुंची है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल तो हमें प्रभु को, बहुत प्रभु के नाम को याद बढ़िया, करते बिल्कुल रहना चाहिए। प्रभु के नाम को याद करते रहना चाहिए। बाकी देखिए, बात हो रही थी मंचों की, बात हो रही थी साहित्य जगत की, तो मैं ये कह रही थी कि ये हमारे हम पर ही डिपेंड करता है कि हम साहित्य जगत कैसा देना चाहते हैं श्रोताओं तक। अगर हम मंच से एक साहित्य अच्छा देना चाहते हैं तो श्रोता अच्छा ही सुनेंगे। अब मैं कवित्रियों की बात भी करूं कि नोकझोंक बहुत चलती है हमारे मंचों से, बहुत बड़े 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 मंचों से नोकझोंक चलती है। अगर 10 कवियों के बीच में एक कवित्री बैठी होगी और वो सिर्फ नोकझोंक वाली होगी, तो ऑब्वियसली कि जो श्रोता हैं वो नोकझोंक ही सुनेंगे। और अगर कवित्री बैठी हो साहित्य सुनाने वाली, तो श्रोता हमारे क्या सुनेंगे, सिर्फ साहित्य को ही सुनेंगे। तो ये हम पर डिपेंड करता है, मंच के संयोजक और आयोजक पर डिपेंड करता है कि वो श्रोताओं तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सुंदर बात ये कही सभी है, बहुत कवित्री, सुंदर बात कही आपने है। इतनी अच्छी बात कही। और कवि और कवित्री से ज्यादा ये सभी के ऊपर है, मतलब ये सिर्फ कवित्री के ऊपर नहीं है, ये कवियों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छा साहित्य को परोसे, अच्छे साहित्य बिल्कुल को बिल्कुल, सामने मैं परोसना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा साहित्य पहुंचाना हमारा सबसे पहला कर्म है। हमारा कर्म है एक, हमारा मतलब कहते हैं कर्म करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छा साहित्य पहुंचाएंगे तभी हमारे बच्चों में, तभी हमारे भविष्य जो भावी भविष्य है उन तक अच्छा साहित्य पहुंच पाएगा, मुझे जो लगता है। और बाकी देखिए, भाषा की बात हो रही थी, भाषा सभी अच्छी है, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो चाहे वो राज्यिक भाषा हो, भाषा सभी अच्छी है। चाहे वो साहित्य में कैसी भाषा भी हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी आई थी। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो कुछ शब्द ऐसे थे कि मुझे भी दिक्कतों का सामना हुआ। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपसे शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ साहित्य जगत से, तो कुछ शब्द ऐसे थे कि आपने भी मुझे टोका कि मुस्कान जी, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये है कि मैंने उसे सीखा अपनी कलम में, अपनी जो लेखनी थी उसमें सुधार किया, अपने बोली में सुधार किया, तो मुझे भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ इस चीज का। बाकी आप साहित्य भाषा की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साहित्य जगत में इसका थोड़ा सा असर दिखता है। जैसे र को ड़ बोलना, जैसे आप कह रहे थे श को स बोलना, ये काफी थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं साहित्य जगत में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो मैं नहीं मानती कि किसी की गलती है ये, और क्योंकि थोड़ा क्षेत्रीय टच तो आता ही है, थोड़ा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बीच में हो जाता है अपने आप। और बाकी अभी नहीं, जैसे बात कर रहे थे इसमें इसमें इंग्लिश। इसमें ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई गलती है किसी की, कि गलती तो होती ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बाबा नागार्जुन को उठाएं, उन्होंने बहुत कुछ क्षेत्रीय जी भाषा में लिखा है उस टाइम पे, मैथिली में लिखने वाले बहुत सारे। अब बात, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैं माफी चाहूंगा मैं बीच में इंट्रूड कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जी जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का जी प्रयोग जब छंदों में होता है, जब उसका प्रयोग सवैया में होता है, तो क्या रस छलकता है उसमें से। ऐसा लगता है कि वाह, जी हम बिल्कुल बिल्कुल उसी सही उसी कह रहे काल हैं में आप। ब्रज पहुंच गए। भाषा का जब, जी, बिल्कुल ब्रज भाषा का जब प्रयोग होता है तो वो अपने आप में एक सुंदरता का एहसास दिलाता है। मतलब सुंदरता आ जाती है। बिल्कुल जब हम एक सवैया बोलते हैं तो एक अलग से जब रस निकलता है उस सवैये सवैये में से, तो एक क्षेत्रीय भाषा जो उसमें आती है वो एक अलग आनंद देता है आपको। वो हम गजल में नहीं ले सकते, वो हम गीत में भी नहीं ले सकते। जो सवैया का बिल्कुल छंद है वो सवैया से ही मिलेगा आपको। आप छंद बिल्कुल में बिल्कुल सवैया बिल्कुल का रस नहीं ले सकते हैं और छंद का रस सवैया में नहीं ले सकते हैं। तो रचना के अनुसार ही जो शब्द की सुंदरता है वो होनी भी चाहिए, मुझे लगता है। जी क्या बात है, बहुत अच्छी बात जो आपने गीत कही। की सुंदरता है वो गीत में ही अच्छी लगती है और छंद की सुंदरता छंद में ही अच्छी लगती है। और एक एक जो जिस तरफ मैं चाहता था कि आप हम सबको ले जाएं, वो ये भी एक जी था कि युवा आज की डेट में सुनना क्या चाहता है। युवा को जब हम बात करते हैं कि, तो स्कूल कॉलेजेस में आप बहुत प्रोग्राम कॉलेजेस में आपके बहुत प्रोग्राम होते हैं, और मैं जिस तरह से देखता हूँ, आपसे एक एक पूरी युवा पीढ़ी मुतासिर है। और मैं कई बार इनका मजाक भी उड़ाता हूँ कि ये फेसबुक पे एक बार एक शेयर डालती हैं या एक मुक्तक डालती हैं, 600-700 कमेंट हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक एक शोध का विषय है कि आज जिस जिस साहित्य में हम जब बात कर रहे हैं, तो युवा उसमें सुनना क्या चाह रहा है, समझना क्या चाह रहा है। आपको क्या लगता है, युवा का रुझान किस तरफ है? प्रेम की तरफ है, श्रृंगार की तरफ है, या वो प्रेम श्रृंगार में ही कुछ कुछ मस्ती भी देखना चाहता है? प्लीज, ओवर टू यू। जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा कि जो युवा है
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने भावों से बंधा हुआ है। मैंने ये भी देखा है कि आज का युवा जब ओझ पड़ता है तो ऐसा ओझ पड़ता है कि बड़े बड़े कवि भी देखते रह जाते हैं कि कैसा ओझ पड़ रहा बिल्कुल, है। और जब बिल्कुल वो श्रृंगार की बात करता है तो इतने भाव से श्रृंगार में समर्पित हो जाता है कि उसका जो भाव है उसके चेहरे से छलकते हैं। जब मैं अभी पीछे JNU में गई थी काव्य पाठ करने के लिए, तो मैंने वहां देखा, जब मैंने अपनी शायरी करनी शुरू की, जब मैंने माइक लिया और मैंने मंच पर गई, तो जब मैंने शुरुआत की, मैंने अपनी शुरुआत की ईश्वर वंदना से। आप प्रेम और श्रृंगार की बात करें तो मैं उसके विषय में एक बात बता रही हूँ कि जब मैंने ईश्वर वंदना की, अपना एक मुक्तक पढ़ा कि न मिन्नत की कभी कोई, जब ये मैंने पढ़ना शुरू किया कि पहले मुक्तक में ही मुझे मुकर्रर हो गया, मतलब पहले मुक्तक में मुझे उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा सुनाइए ये। तो ये शायद ईश्वरीय भाव था जो उन बच्चों में था, जो उन युवा युवा लड़कों में और युवा लड़कियों में मैंने देखा। ये नहीं कि इश्क प्यार मोहब्बत ही युवा में है, हर भाव युवा में है, बस हमें वो कैसे उनको बाहर लाना है, उनके भावों को कैसे हमें बाहर लाना है और दुनिया तक पहुंचाना है, वो थोड़ा सा हमें उस पर काम करना है बस। बाकी तो देखिए भाव तो भाव ही है, हर युवा में हर भाव है। देखिए मैं आपको बताऊं, पूरे राष्ट्र के सामने आज एक बहुत बड़ा खुलासा मुस्कान जी ने किया है कि कासिद भाई देखिएगा कि JNU में सिर्फ आजादी के नारे नहीं लगते हैं, JNU वाले भक्ति भाव भी सुनते हैं। ये पहली बार मुझे पता चला, ये राष्ट्र में के सामने आपने खुलासा किया। खैर सही में, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ईश्वर वंदना वहां पर की, और मुझे पहले मुक्तक, मैंने घर आके जब मैंने इस बात पे चर्चा की कि देखिए आज मैं बहुत अच्छा काव्य पाठ हुआ, और पहले मुक्तक में ही मुझे बार बार यही कहा गया कि दोबारा पढ़िए इसे, तो मतलब कि मुझे अच्छा लगा कि ईश्वर, जैसे हम सुन के गए थे, थोड़ा मैं डर भी रही थी उस समय कि मैं JNU में जा रही हूँ, मुझे सबने मना किया कि मत जाओ, ऐसा वैसा मत, जो भी था, मैं कह नहीं अब वहां पर नाम गया है तो जाना ही है मुझे। तो मैं गई, जब मैंने वहां का माहौल देखा तो ठीक था, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और बाकी जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप और यही जब किरोड़ी मल में भी सेम यही हुआ कि किरोड़ी मल के जब बच्चों के सामने जब मैं खड़ी हुई तो एक एक बच्चे ने मुझे इतना स्नेह दिया, चाहे वो मैंने प्रभु वंदन किया, चाहे मैंने वो श्रृंगार पढ़ा, चाहे मैंने किसी भी भाषा में, चाहे मैंने छंद भी पढ़े, तब भी मुझे एक एक वहां पर श्रोता से बहुत स्नेह मिला। तो भाव हमारे ही, हम श्रोता तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये और ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम श्रोता तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। और JNU की बात से मुझे याद आता है, कासिद भाई और मैं एक ही उम्र के हैं, तो हम उम्र होने के बाद साथ साथ थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं। तो अभिषेक भाई हमें सुन रहे हैं, अभिषेक तिवारी जी, तो एक बार मेरे हमारे जी 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 एक अभी कासिद जी ने एक बात कही, थोड़ा सा उस पे मैं खिलाफ जाती हूँ उसके, कि कासिद जी ने ये कहा कि साहित्य साधक जो होते हैं वो मंचों पर शायद कम चलते हैं, कुछ ऐसा ही अभी कुछ बात हो रही थी कि या तो साहित्य साधना होती है या फिर मंच मिलते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं है, उन्होंने पूर्णतः ये बात नहीं कही थी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा था कि अगर मंचों का रास्ता साहित्य साधना के बिना निकले तो हमें लेना नहीं चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, और हम जिन लोगों के बीच में इस वक्त चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के साथ तो हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ सकती कि हम ऐसी कोई बात कर भी दें। मुझे अच्छे से याद है कुंवर चेतन आनंद भैया हमारे बड़े बैठे हैं, उन्होंने जितनी साधना की है, और चेतन आनंद के जो हमारे गुरु जी हैं, वे दादा की बात करती हूं, उन्होंने जो साहित्य साधना की है और वो मंचों पर छाए हैं, उनसे बड़े नाम मैंने शायद साहित्य साधना के साथ मंचों पर नहीं देखे हैं। वो मैं उन्हें बोलता हूँ, वो गुरु वशिष्ठ है, काव्य समाज के गुरु वशिष्ठ है। तो बस जब ये सारी बातें होती हैं, मंचों की बातें होती हैं, तो एक जब मतलब हमने इस वक्त, अगर मैं देखूं हमारी इस पूरी चर्चा का जो अभी तक जो एक रोड मैप रहा है, जिस रास्ते से हम चलते हुए इस एक मोड़ पे आए हैं, हमने साहित्य की बात करी, हमने परिष्कृत साहित्य की बात करी, परिष्कृत साहित्य के बाद हमने हिंदी और उर्दू दोनों के रूप को देखा कि अगर हम गजल कह रहे हैं तो हमारी क्या अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अगर हम कविता कह रहे हैं तो क्या अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसका मंच के साथ किस तरह से एक मिश्रण होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे 30 सालों तक इस पूरी घटनाक्रम को देखा है, उसने मंचों पे गोपाल दास नीरज साहब के साथ उनको भी देखा है, उस व्यक्ति ने
दादा कुंवर बेचैन जो हमारे गुरु वशिष्ठ हैं इस पूरे काव्य समाज के, उनको देखा है, उनसे सीखा है, उनको चरणों में बैठ के सीखा है, और वो 5 रुपए की कहानी अभी आपको सुनाएंगे भी डॉक्टर चेतन आनंद, उन्होंने आज के युवाओं को भी देखा है। आज बहुत सारे युवा हैं, आज मैं इनके बहुत वीडियोस फॉलो करता हूँ, इनकी गजल की पाठशालाओं की इतनी वीडियोस हैं जो युवा फॉलो करते हैं। मैं एक बार इनके साथ एक न्यूज चैनल में बैठा था, इनके पास एक किसी का फैन मैसेज आया, तो कहते हैं आशीष इसका नंबर तुम जानते हो किसने किया था? मैं पहचानता नहीं था। कहते कौन है? कह रहा है कि दादा आपने उस दिन ये वाली बात कही थी, मैंने उसके हिसाब से ये गजल लिखी है, ये चेक करके बताओ। कह रहे हैं मैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगता है इस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी। तो मैं एक यात्रा अपने दिमाग में देख रहा था कि डॉक्टर चेतन आनंद ने एक पूरी यात्रा देखी है 30 सालों से, साहित्य का उत्थान, साहित्य का पतन और साहित्य का फिर से उत्थान, ये पूरा देखा है। राष्ट्रीय चैनलों पे क्या जा रहा है, कहाँ पर कैसे जा रहा है, वो पूरा देखा है। तो मैं बिल्कुल डॉक्टर चेतन आनंद की तरफ बढ़ता हूँ, और अलंकारों, छंदों की, गीतों की उनकी इस दुनिया में वो किस तरह से साहित्य को देखते हैं, उसके ऊपर चर्चा को ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चेतन सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है थोड़ा सा संपर्क टूटा है चेतन सर, अभी मुझे हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं विनोद सर, मैं एक बात कर रहा था आपसे कि मैं और कासिद भाई एक ही उसके हैं, तो अभी जेएनयू की बात चल रही थी, तो एक बार कासिद, देखिए मैं जो सारी बातें बता रहा हूँ उसका कहीं पर भी कोई भी इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध पूर्णता काल्पनिक है, पहले ही मैं ये बता देता हूँ। तो एक बार कासिद भाई की एक गर्लफ्रेंड थी जो एक इनकी महिला मित्र थी जो जेएनयू से थी, तो इनकी डेट की बात हुई और उन्होंने कहा कि जेएनयू की है तो बताइए क्या करना है, डेट पे चलना है, तो लोग सब कैंडल लाइट पे डिनर पे जाते हैं, ये कैंडल मार्च पे गए थे। आशीष भाई, अच्छा कैंडल मार्च पे। आशीष भाई, आशीष भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी जी, इसीलिए मिसरे, इसीलिए मैं गजल खारिज कर देता हूँ सारी। जी आशीष भाई, आशीष भाई, मैं जी, जी, जी. एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको बीच में रोक करके। देखिए, इसीलिए मैं मिसरे जो है ना, गलत मिसरा पास नहीं होने देता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने महिला मित्र को गर्लफ्रेंड लिख दिया तो अर्थ का एकदम अनर्थ हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं एक बार थोड़ा मुझे जरा वो दे, मैं चेतन सर को एक बार जरा जोड़ना चाह रहा हूँ। जी अच्छा, आशीष भाई लगता है फोन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो चेतन दादा अभी हमें बस थोड़ी सी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, उनका कुछ नेटवर्क हो गया था। तो ये हंसी मजाक हम करते रहते हैं, लेकिन जो बात इस वक्त जो पूरी जो जो मैं इस पूरी पीढ़ी को देना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कासिद भाई हैं, मुस्कान जी हैं, लेखनी के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और लेखनी के साथ जब भी खिलवाड़ होता है तो ऐसा लगता है कि हम आत्मा की कोई विशुद्धि है जो हम बिल्कुल ये बिल्कुल इस बात का जब तक ध्यान रहेगा तब तक सारी चीजें अच्छी, आप अच्छा साहित्य कह पाएंगे। मैं आशीष भाई, मैं मुस्कान जी को ये कहना चाहूंगा कि मेरे उस मंतव्य का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि साहित्य साधक मंच पर नहीं जा सकता या नहीं पहुंचता है। मेरे उस मंतव्य का मतलब ये था कि आज के समय में मंच पर पहुंचने के लिए आपके पास में कलमकार के साथ साथ में कलाकार भी होना चाहिए, और बहुत 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 हद तक, बहुत हद तक ये संभव है कि आपका कलाकार कलमकार से बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल कासिद जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम एक मंच पर जाते हैं,
हेलो जी 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 जी, जारी मुझे जी लगता है बोलो, जब हम पूरी मंच तरह पर बात। जाते हैं तो हमारी कलम के साथ साथ कलाकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे हजारों श्रोताओं श्रोता जब हमारे सामने बैठे होते हैं तो हमें एक अच्छा परफॉर्मर भी बनना पड़ता है। परफॉर्मर मतलब कि ये नो कि डाउट, हमारी जो बिल्कुल जब तक हम अच्छा परफॉर्मर नहीं बनते हमें नहीं लगता कि हमारी कनेक्टिविटी श्रोताओं के साथ हो सकती है, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी हमारी रचना जितनी मर्जी अच्छी हो जाए हम श्रोताओं के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल, है, मंच का, श्रोताओं के साथ कनेक्शन मंच बहुत का ये जरूरी है, सूत्र है, इसीलिए मंच का बिल्कुल ये जरूरी सूत्र है। आपको है। कलम के आपने साथ असल कलाकार में होना बहुत जरूरी है। मंच के लिए एक सूत्र आपने है, असल में उस सुंदर रचना प्लस प्रस्तुति और इज इक्वल टू वाहवाही। तो ये बिल्कुल क्या बात है, फॉर्मूला है कि आपकी रचना बिल्कुल सुंदर सही होनी बात है, चाहिए, बिल्कुल सही आपकी बात है जी, प्रस्तुति प्रभावी होनी चाहिए, आपको वाहवाही मिल जाएगी, उसके लिए कहने बिल्कुल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल तो ये सूत्र सहमत जो है ये बिल्कुल मंच पे सहमत। खड़ा होता मुझे है। एक और किस्सा याद आता है, दादा आज के समय में जो सबसे बड़ी मेरे लिए जो कोफ्त वाली बात हो जाती है वो ये होती है, आशीष भाई आई एम सॉरी मैंने आपकी शायद बात काटी है, नहीं कोई दो कोई बात नहीं, सेकंड कोई दो तीन प्लीज, सेकंड की बात है। हाँ प्लीज कंटिन्यू जी जी तो जी जो मेरे लिए जो सबसे कष्टदायक बात ये हो जाती है, हर एक इंसान आज के समय में वो एक नामी कवि बनना चाहता है कि मुझे वो बनना है या मुझे वो बनना है या मुझे ये बनना है, लेकिन मजे की बात है कि वो उसके काव्य को उसके साहित्य को आत्मसात नहीं करना चाह रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि उसकी तरह मुझे बोलना है, वो चाह रहा होता है कि सेलिब्रिटी, उसकी तरह मुझे वो सेलिब्रिटी बनना चाहते यस हैं, सेलिब्रिटी कभी यस नहीं बनना चाहते, ये यहाँ सेलिब्रिटी पे बनना मेरा चाहते कटाक्ष था, यहाँ मेरा कटाक्ष था। मेरा जो लोग स्थापित है जैसे उसी समय मेरे को आशीष भाई ने कहा था, मैंने कहा उस चीज के ऊपर मैंने अपना मंतव्य रखा कि जो स्थापित है वो स्थापित हुए हैं क्योंकि उन्होंने साहित्य की साधना करी, वो तभी स्थापित हो बिल्कुल पाए बिल्कुल हैं। जी लेकिन जी आज जी जो जी है आज की जो युवा पीढ़ी मेरे क्योंकि मेरे से सवाल इसी संदर्भ में किया गया था कि युवा पीढ़ी क्या कर रही है आज के समय में, तो जो जो आज के जो बच्चे हैं ये बहुत छोटा रास्ता अपना रहे हैं, इनको बहुत शोहरत चाहिए बहुत जल्दी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इनको साहित्य मिले ना मिले, साहित्य इन्होंने दिया ना दिया, इन्होंने साहित्य के लिए कुछ किया ना किया वो बात की बात है, लेकिन इनको सेलिब्रिटी बनना है। अब नाम लेने में क्या गुरेज है, कुमार विश्वास बनना है हर एक नए बच्चे को, हर एक नए बच्चे को कुमार विश्वास बनना है, तो आप कुमार विश्वास बनिए उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कुमार विश्वास की तपस्या को भी आत्मसात कीजिए, कुमार विश्वास चेतन चल के भैया यूं ही सब नहीं, समझिए चल के यूं ही ये नहीं है सर, सब जैसे एक ही गुरु तुमने से सीखे हुए हैं, कहा बिल्कुल 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 फिर बिल्कुल, ये देखिए सब एक ही गुरु बिल्कुल से सीखे बिल्कुल हुए लोग हैं, तो लेकिन इनकी तपस्या को भी आप आत्मसात कीजिए ना, आप सिर्फ उनके मंचीय प्रस्तुतिकरण को अगर आप आत्मसात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप उस कलाकार को आत्मसात कर रहे हैं ना कि उसके कलमकार को आप आत्मसात कर रहे हैं, और आप बात कर नहीं रहे हैं मैंने साहित्य की जो मेरे हिसाब जी से जी जी गलत बात है। नहीं आजकल जो मैंने देखा है मंचों पर, काशी जी मैं आपकी बात नहीं रखती हूँ इस चीज में कि मैंने जो मंचों पर देखा है, अगर हम दो या तीन कवितियां मंचों पर हैं या कुछ कंपटीशन, आजकल एक्चुअली क्या कंपटीशन मंचों पर बढ़ गया काफी, अगर हम मंच पर जाना चाह रहे हैं तो एक कवि या एक कवित्री की मंशा ये रहेगी कि मुझे उससे अच्छा करना है, मुझे लगता है कि मुझे उससे अच्छा करने की जगह मुझे खुद का अच्छा, जब हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लगता है हमारा खुद का ज्यादा अच्छा करना वो ज्यादा बेहतर है उनसे अच्छा करने की बजाय। मुस्कान जी प्रतिस्पर्धा रखना किसी भी विषय के लिए गलत नहीं होता है जब तक कि वो बिल्कुल बिल्कुल प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रूप से रखी जाए या उस प्रतिस्पर्धा का निर्वाह स्वच्छ मन के साथ में किया जाए, ये कौन नहीं चाहेगा कि मैंने कल परसों भी दूसरे के साथ में तो मतलब उनकी दोनों की जुगलबंदी चल रही है, हेलो वो दूसरे से अच्छा शेर कहने की हेलो कोशिश जी कर रहे जी हैं, जी आवाज आ रही प्रतिस्पर्धा है रखना आपकी, अलग मैं बात है, जुड़ा हुआ हूँ, मैं जुड़ लेकिन गया हूँ स्वस्थ जी जी प्रतिस्पर्धा रखना वो अलग बात है। खैर ये हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक हो गए थे, मेरे को तो मौका मिला चेतन दादा गए हाँ, तो मुझे भी थोड़ी मैं देर के दादा लिए ऐसा वापस लगा मिलने के जैसे, लिए, आशीष जी आप कंटिन्यू कर सकते हाँ मुझे भी थोड़ी मैं देर के सुन लिए रहा ऐसा था आप लगा लोगों जैसे, को,
मुझे चेतन सर आपके जाने के बाद ऐसा लगा जी जी जैसे जी दादा जी शाम के 8 बजे की प्राइम टाइम न्यूज जो आती है न्यूज चैनल पे उस पे आजकल हाँ ये मुर्गे लड़ाने का अवधि शौक जो एंकरों को है, मुझे लग रहा था मैं भी मुर्गे लड़ा रहा हूँ, लेकिन लेकिन सच्ची बात है और अच्छा निचोड़ सामने आया है जी। मैं इससे पहले कि मैं आप लोग को फिर से चेतन आनंद जी की तरफ ले जाऊं, मैं बात कर रहा था कि हमने इस पूरी यात्रा में अभी तक जो इस पूरे रोड मैप को देखा, हमने साहित्य की बात करी है, साहित्य में उर्दू हिंदी आप किस तरह से उसको पेश करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण उसका क्या होना चाहिए, मंचों की बात करी, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने पिछले 30 सालों से इस पूरी यात्रा को देखा है, गोपाल दास नीरज की संगत करी है, जिन्होंने डॉक्टर कुंवर बेचैन के कदमों में बैठ के चरणों में बैठकर इस पूरे रस को चखा है, उसने आज के युवाओं को भी देखा है। मैं भी अपने आप को युवा में ही मानता हूं जी, मैं आपको बता दूं पहले तो जब मुझे देखा है, मुझसे छोटे भाइयों को देखा है, तो उनके पास एक पूरा एक विश्लेषण है। मैं कई बार उनके साथ बैठता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि आशीष अब समय ऐसा चेंज हो गया है जहां पर व्यक्ति को बहुत जल्दी मची हुई है आगे बढ़ने की, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो मोबाइल पे बार बार व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि दादा एक बार ये गजल चेक कर लीजिए, इसमें क्या हुआ है, इस शेर को बताइए कि कैसे इसको बेटर बना सकते हैं। तो चेतन दादा ने, डॉक्टर चेतन आनंद ने एक पूरे दौर को देखा है, एक पूरे समाज को देखा है, पूरी पीढ़ी को देखा है, गजलों से मुतासिर होते हुए, काव्य से मुतासिर होते हुए, साहित्य से अपने आप को प्रभावित होते हुए देखते हुए। तो चेतन दादा आप इस पूरे चेंज को कैसे देखते हैं, जब मैं हिंदी परिष्कृत हिंदी की बात करता हूँ या खालिस उर्दू की बात करता हूँ, और आज जो युवा पीढ़ी जो लिख रही है जिसके आप सब देखते ही हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं अपनी तरीके से? धन्यवाद आशीष जी। मैं लगातार सुन रहा हूँ, मैंने डॉक्टर विनोद प्रसून जी को भी सुना जी और मैंने कासिद भाई को भी सुना और मुस्कान माधुरी को भी सुना, और जिस तालमेल के साथ आप इन बातों को जोड़े हुए एक अच्छी चर्चा लेकर चल रहे हैं हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य को लेकर, तो जहाँ विनोद प्रसून जी ने अपनी बात शुरू की थी और जहाँ उन्होंने नए प्रयोग किए नए तरीके से, तो मैं उस पर यह कहूंगा कि जब मैंने जो पढ़ा और जो मैं अनुभव करता हूँ कि जब हमारे भीतर का मौन मुखर हो जाता है तब वो ध्वनियों की शक्ल ले लेता है, हाँ और हाँ हाँ भाई ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वो शब्द बन जाते हैं, और ध्वनियों को जब गाया बिल्कुल जाता है तो वो संगीत बन जाता है। तो इसलिए बहुत सुंदर जो शब्द बनते हैं वो साहित्य कहलाता है, और जो संगीत बन जाता है ध्वनियां जब गाई जाती है तो वो संगीत बन जाता है। तो साहित्य और संगीत का हमारे समाज में चोली दामन का साथ कहा जाता है इसीलिए। तो अगर आप किसी बिल्कुल बात को किसी के हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस बात को आप संगीत के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हम जब भी पैदा बिल्कुल हुए सर हैं हर चीज लय में चल रही है, भगवान ने हर चीज लय में दी है, हमारी सांस है वो लय में है, जन्म लेते ही हमारे भीतर भीतर सांस का एक तारा बजने लगता है। क्या तो बात है, बच्चों को जिस हिसाब से आप परिष्कृत कर रहे हैं या जो अनुभव दे रहे हैं जो सिखा रहे हैं वो संगीत के माध्यम से ही ज्यादा होता है। आप देखिए अगर और पीछे की तरफ चले जाएं, जब इस आदिकाल की बात करता हूं या उससे पहले की भी बात समझ लें, कि हमारे यहाँ मंत्र का ना लिखे गए ना मंत्र कहे गए, हमारे यहाँ मंत्र बोले गए, मंत्र बोले गए, हमारे यहाँ वेद बिल्कुल लिखे नहीं गए, वेद मंत्रों को बोला, उनका उच्चारण हुआ। तो जो श्लोक वो ध्वनियों पर और संगीत पर आधारित थे, ना वो काफी पर आधारित थे, ना आपके वो रदीफ पर आधारित थे, ना उसमें कोई मतला बोल सकते हैं उसको कोई, ना उसमें कोई मक्ता है ना, यानी ना उसमें समांत है ना तुकांत है, कुछ नहीं है, लेकिन उसमें एक लय है, उस लय पर आधारित होते बिल्कुल हुए उनका उच्चारण होता है। आज भी मंत्रों का आप कभी भी देख लीजिएगा तो मंत्रों का उच्चारण होता है लय में, संगीत में। इसी वजह से वो बिल्कुल बिल्कुल बचपन से हमारे पीढ़ियों ने हमें दिया, हमारे पूर्वजों ने वो हमको दिया, जो उन्होंने सुना, उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं, उन्होंने जो आरतियां हैं आरतियां जो पहले सुनी गाते थे तो हम भी साथ साथ गाए तो हमें वो याद हो गई। तो गाने से बहुत चीजें जो है याद हो जाती हैं, हमारे हृदय तक पहुंचती हैं, दिमाग से हृदय तक पहुंचती हैं। तो बच्चों बिल्कुल पर लयात्मकता। सर भी क्षमा चाहूंगा, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। हाँ लयात्मकता जी वास्तव में बच्चे के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। निश्चित रूप मैं से बात बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो 5वीं में कक्षा में रहा होऊंगा तो हमारी पूरी टोली जैसे स्कूल की तरफ जाती थी तो अपना बैग टंगाया और उसके बाद चल दिए,
और रास्ते में एक जगह दीवारों पे लिखा हुआ मिलता था कि चेतो चेतो रे नर नार, बाल योगेश्वर है अवतार। तो उस समय हमें कोई बिल्कुल मतलब नहीं था, मतलब बाल योगेश्वर जी कौन है को क्या, लेकिन वो राइमिंग इतनी जी अच्छी लगती थी कि चेतो चेतो रे नर नार, बाल योगेश्वर है अवतार। अच्छा, हमारी पूरी टोली ने उसको जी याद कर लिया। अब हम वहां से जी निकलते और हम कहते कि चेतो चेतो रे नर नार, बाल योगेश्वर है अवतार। और एक दिन बिल्कुल ऐसे ही होता गांव है। में मेरे जो गांव की जैसे, हाँ बिल्कुल, तो हम एक दिन निकले निकले हुए जा रहे थे, जैसे हम कहते हुए जा रहे थे कि चेतो चेतो रे नरनार, बाल योगेश्वर है अवतार। एक दादाजी ने रोक लिया, वो बोले इधर आओ नाले को, क्या कहते हुए जा रहे हो? हमने कहा जी हम तो यही कह रहे हैं कि चेतो चेतो रे नरनार और बाल योगेश्वर है अवतार। तो दादाजी बोले बेटे बाल योगेश्वर तो पड़ा हुआ जेल में, अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। तो इतना डर बैठ गया तो, लेकिन राइमिंग थी, चलिए हमें तो मतलब ही कौन है वाली योगेश्वर। हाँ तो लयात्मकता तो वरदान है बस, वास्तव में भाषिक नर्सरी में संस्कार हम है वो पहुंचे थे। लयात्मकता से आता है। हाँ तो बहुत अच्छी बात मैं सर ने कही है, चेतन वही सर ने, कि लयात्मकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी पूरे सृष्टि पूरा जी संसार एक जी लय सर में बंधा हुआ है। पानी बहता है तो उसमें भी जी लय है, हवा चल रही जी है उसमें भी लय है ना, पहाड़ है उसके भीतर भी एक लय है, और जो हमारी सांस है उसमें भी एक लय है। तो साहित्य और संगीत जो है वो लय से बंधा हुआ है। आपके क्या जो बात भीतर है, के भाव हैं, बिल्कुल वो आपके भीतर के जो भाव हैं उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपकी अनुभूति अभिव्यक्ति में कैसे बदले, और वो अभिव्यक्ति जो है व्यष्टिगत से समष्टिगत कैसे हो जाए, तो उसके लिए एक पुल की आवश्यकता होती है, वो होता है भाषा का पुल। आपकी भाषा जितनी आसानी से दूसरे के पास तक आपके भाव ले जाती है, मैं समझता हूँ वही भाषा अनुकूल है और वही भाषा अच्छी है। उसमें चाहे उर्दू क्या के बात शब्द है, हो, चाहे वो उसमें हिंदी के शब्द हो, चाहे उसमें तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, चाहे किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता हो, मुझे लगता है जी जी कि भाव संप्रेषणीयता के लिए भाषा आवश्यक होती है, बहुत आवश्यक बिल्कुल होती है। वरना हमारे संकेतों में भी भाव होते हैं। माँ जो है हमारे बिना बोले ही हमारे भावों से हमारी बात समझ लेती थी बचपन में, कभी भी उसमें एक गुण होता है, वो समझ लेती है कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम केवल हाव भाव से संकेतों से बताते हैं भूख लगी है तो वो दूध पिला देती थी माँ। तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि भाषा को विवाद के रूप में लिया जाए या भाषा के तत्सम या तद्भव रूप पर ही ज्यादा हम दृष्टियां डालें। बड़ी बात है आपका भाव बड़ा होना चाहिए, और वो भाव जो है किस भाषा के माध्यम से या किस भाषा के पुल के माध्यम से दूसरे तक पहुंचता है, उसमें संप्रेषणीयता है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस पे बहुत ज्यादा विचार बिल्कुल करना चाहिए। महाकवि नीरज जी ने भी कहा कि पूरा संसार वास्तव में लय में बंधा है, वो लय नहीं टूटनी चाहिए। वो लय कैसे टूटे या नहीं टूटनी चाहिए, उसमें भाषा का भी बहुत बड़ा काम है, उसमें भाव का भी बहुत बड़ा काम है। भाव समझिए कि वो एक प्रकार से मिट्टी का ढेला है जिसमें उसको बुत बनाना है आपने, और बुत कैसे बनाएंगे वो हमारे हुनर पे निर्धारित करता है। अब भगवान ने जो है हुनर हमें दिया एक चातक के बूंद की तरह। मैं हमेशा कहता हूं कि हुनर जो है हमें भगवान ने दिया एक चातक की बूंद की तरह, जो हमारे रियाज और ख्याल की दो सीपियों में बूंद आई है वो। अब रियाज और ख्याल की सीपी को अगर हमने अलग कर दिया तो चातक की बूंद जाया हो जाएगी, हमारा हुनर काम नहीं आएगा। अगर रियाज और ख्याल की सीपी को जोड़ते हुए उस चातक की बूंद को हम रखेंगे, उसे पॉलिश करते रहेंगे रियाज और ख्याल से, तो निश्चित रूप से वो चातक की बूंद एक दिन मोती बन जाएगी, निश्चित रूप से मोती बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले अपने भाव को पुष्ट करना है, उस भाव को सजाने के लिए हमें भाषा का आधार लेना है, उसको और अच्छा सजाने के लिए हमें रियाज के माध्यम से अलंकार भी उनके आभूषण पहनाने हैं। अलंकार क्या है? आभूषण है। भाषा चमत्कार क्या है? वो आभूषण है। कौन से भाषा का प्रतीक्षा या इंतजार, क्या मांग है शब्द की किस वाक्य में, उसकी पूर्ति को देखते हुए अगर हम उसकी आवश्यकता को अनुकूल रूप से पूरा कर देते हैं तो हमारा लिखना वो सार्थक है। मेरे गुरु और डॉक्टर बिल्कुल, गुरु शब्द अमित जी, चयन अच्छा होना चाहिए और हाँ उस विषय में हमारा चिंतन होना चाहिए कि हम किस हाँ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जी जी और जी ये अभ्यास से आता है। और वैसे भी बिल्कुल कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले और 20 कोस पे बानी। तो बानी हाँ जो है, बिल्कुल भाषा सही बात कही आपने, बहुत जो है सुंदर, हर सही बीस बात कोस कही 20 कोस पे परिवर्तनशील है। आपने भी कहा कि परिवर्तनशील है, भाषा बदलती है। जी, और भाषा विज्ञान बिल्कुल मैंने जब हिंदी स्नातकोत्तर मैंने किया तो उसमें मैंने जी भाषा विज्ञान पढ़ा। भाषा विज्ञान जी में शब्द घिसता है, उसमें बताया शब्द जी घिसता है, क्या शब्द नया बात है आकार लेता है, भाषा नया रूप जी, लेती है, भाषा बिल्कुल परिवर्तनशील है और भाषा में बिल्कुल विकार आता है, लेकिन भाषा विज्ञान में इस विकार को विकास कहा गया।
जी हाँ जी हाँ जी क्या बात है, वाह वाह बिल्कुल वाह, ये बात बिल्कुल सही है, कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा। कहा आप आपने, चित्त क्या बात परिवर्तनशील कही है दिख रही दादा, है वाह वाह बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, और क्या कई बात, बात चीजें ऐसी हैं कि जिन शब्दों को हमने, हमारी हिंदी भाषा में एक बहुत बड़ा गुण है, उसमें ग्राह्य शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति सबसे बड़ी है। हमने बिल्कुल अन्य भाषाओं के बिल्कुल शब्दों को अपने भीतर समेट लिया, जबकि हमारी भाषा के शब्दों को और भाषाओं ने एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, स्वीकार ही नहीं कर पाई, क्योंकि उनमें वो ग्रहण जी, शक्ति है ही नहीं, ग्रहण हिंदी है। शक्ति शक्ति नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हिंदी ये हमारी मैं हिंदी उस की महानता वक्त, है, हमारी भाषा की मैं महानता इस है। और मैं वक्त बताता हूँ जो हमारा जो पेज है उस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और आपकी इस बात से इतने लोग मुतासर हैं। इंतजाम मुर्तजा खान साहब बहुत तारीफ करते हुए आपकी इस बात पे लिख रहे हैं कि फर्क इतना ही है कि कोई सपना देखता है तो कोई ख्वाब देखता है। कुमार अनुपम जी अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, और आपने जो भाषा के ऊपर जो बात कही उस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं इस वक्त देख रहा हूँ बहुत अच्छे श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन बहुत दादा, सही। आपने जो बात कही भाषा की, मैं इस बात को, और जो आपने बात कही कि इस विकार को हमने विकास कहा है, और मैं बहुत मुझे सुंदर याद है बात कही है, बहुत सुंदर बात। बहुत बढ़िया बात कही है। मैं जापानीज का कोर्स करता होता था IIT कानपुर से किसी जमाने में, तो हाँ जापानीज में भी ये उन्होंने भी, जापानियों ने भी ये वाली बात कही कि विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा जिसमें आप जो बोल रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, यानी आप वो निश्चित रूप से एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा है जो ये और बताती बता। है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। जी आशीष, मैं आपकी जी की बात को बढ़ाता हूं। आप जी जी अंग्रेजी जी के शब्दकोश को उठा लीजिए, अंग्रेजी के एक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल हिंदी के उठा लीजिए तो एक औसत भी लगा ले तो एक शब्द के पांच अर्थ होते हैं, किसी के छह भी होते हैं, किसी बिल्कुल के सात भी होते हैं। तो बिल्कुल पूरा बिल्कुल शब्दकोश का, कितने शब्द हैं शब्दकोश में अंग्रेजी के और हिंदी में, मैं आपको ज्ञान आप जानते हैं, लेकिन मैं औरों के लिए भी ज्ञानवर्धन कर दूं इसमें, कि अंग्रेजी के शब्दकोश में पर्यायवाची शब्द मिला के केवल 5 लाख शब्द बनते हैं, और हिंदी के क्या पास बात पता है कितने शब्दकोश में कितने शब्द हैं? 27 लाख। जी, 27 लाख, आहा जिसकी जी वजह जी से हम अपने वाक्यों में उसका अनुकूल प्रयोग कर लेते हैं और कर सकते हैं। तो क्या हमें बात यह है, देखना है कि हमें अंग्रेजी के 5 लाख शब्दकोश तक ही सीमित अपने ज्ञान को रखना है, या हिंदी के 27 लाख शब्दों तक भी पहुंचना है। पहुंचना बहुत है, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत और जरूरी। अगर हम उस भाव को खत्म करते हुए और केवल काफिये, रदीफ और बहर में ही ध्यान देंगे, तो मैं दो लाइन बोलता हूं, उसका मुझे अर्थ बता देना, और ये बता देना क्या वो काफिया में और रदीफ उसमें कहीं कमी है या नहीं। 71, 72, 73, 74 और 75, 76, 77, 78। अब क्या मिसरा बात है, उला और मिसरा सानी देख लीजिए, इसमें आप रदीफ देख लीजिए, इसमें काफिया देख लीजिए, इसका क्या बात है, मुझे अर्थ बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो केवल केवल शब्द चमत्कार कर देने से, या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से, या सोने की तस्तरी में गोबर परोस दोगे, तो क्या वो सोने खाने खाने योग्य हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन केले के पत्ते पे अगर सुपाच्य भोजन, स्वादिष्ट भोजन परोसोगे तो लोग उसको खाएंगे। तो ये हम पर निर्भर बिल्कुल करता है कि हमें केले के पत्ते पे स्वादिष्ट भोजन परोसना है या सोने की तस्तरी में गोबर परोस के देना है, इसका चयन हमारे ऊपर है। ये हमारा हुनर है कि उसकी पहचान कैसे करता है। आजकल के युवा में थोड़ी सी एक कमी ये है कि ना तो वो रियाज जानता करना, ना उसके पास ख्याल तो आते हैं लेकिन रियाज नहीं है, वो दोनों सीपियां उसकी अलग हैं। तो चातक की बूंद जो है, चातक की बूंद जो है, एक मिनट, तो ये चातक की जो बूंद है, ये कैसे हो रहा है? तो चातक की जो बूंद है वो जाया हो जाती है। आज नौजवान जो है रातों रात स्टार बनना चाहता है, वो चाहता है कि मैं परफॉर्मर अच्छा हो जाऊं, एक अच्छा प्रेजेंटर बन जाऊं, लेकिन वो कभी अच्छा नहीं बन पाता। उसमें कमी यही है कि वो अभ्यास नहीं कर रहा, उसके पास जी जानकारी की कमी, लेकिन उसके पढ़ने में कोई कमी नहीं है। अगर एक साल का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, तो हमारी किताबें पहले से ज्यादा पढ़ी जा रही हैं, और हिंदी साहित्य बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है। एक साल में 38 बिल्कुल करोड़ किताबें लोगों ने खरीदी हैं, छपी नहीं, 38 करोड़ किताबें पढ़ी हैं, और नौजवानों की संख्या उसमें सबसे ज्यादा है। तो ये हमारे बिल्कुल लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा नौजवान पढ़ने के लिए लौट रहा है। और ज्वलंत उदाहरण ये देता हूं कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल संकटों का समझो एक बहुत बड़ा पहाड़ों का समुच्चय,
एक पहाड़ों का बहुत बड़ा समूह है, कठिन बाधाएं बहुत हैं, लेकिन उसके भीतर नदी के समान पहाड़ों के बीच में यात्रा कौन कर रहा है? कविता यात्रा करती है। आप बिल्कुल सोशल मीडिया पर चले जाइए, कहीं चले जाइए, हम अभी ये बैठे हुए हिंदी साहित्य पर, हिंदी कविता पर और शायरी पर ही बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जी पहाड़ों के बीच में नदी जिस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, ऐसी पहाड़ों में एक कविता है जो अनवरत नदी की तरह बह रही है और लोगों के और नौजवानों के हृदय में पहुंच रही है। हमारा दायित्व बिल्कुल बनता है, मेरे गुरु और डॉक्टर कुंवर बेचन ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि चेतन तुम कॉलेज में आ गए हो, पत्रकारिता के साथ साथ कॉलेज में भी सहायक निदेशक हो और मीडिया और ये सारा काम देख रहे हो, तो जितना मैंने तुम्हें सिखाया, अब उन्होंने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मेरे दिमाग ने या बुद्धि ने जितना भी ग्रहण कर सकता था उसने किया। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने सीखा है मुझसे वो तुम अगली पीढ़ी को बांटो, अगली पीढ़ी को देना शुरू कर दो। तो इससे होगा ये कि जो साहित्य में कचरा जा रहा है वो कचरा जाने से रुकेगा और अच्छी कविता सबके सामने आएगी। तो ये फर्ज हमारा है कि हम नौजवान पीढ़ी को अपने ज्ञान से कितना पल्लवित और पोषित करते हैं। अगर हम वो ये काम कर गए तो ये हमारा कोई एहसान नहीं है अगली पीढ़ी पे, ये हमारा फर्ज है जो हमें हर हाल में पूरा करना है। हमें ये हिंदी साहित्य के ऐसे पौधे लगाने हैं जो भविष्य में वटवृक्ष बन जाएं और जिसमें जो है अच्छे अच्छे फल लगें, अच्छी अच्छी वो छाया दें और अगली पीढ़ी तक ये ज्ञान पहुंचे। तो मुझे लगता है कि भाषा चाहे आंचलिक प्रभाव देती हो अपने कविता में। अब देखिए, अब घनानंद ने कितना खूबसूरत सवैया कहा, अब बताइए उसकी खूबसूरती में कहाँ कमी है अगर भाषा में, अगर आप हिंदी उर्दू में कह रहे हो। उन्होंने कहा, अति सूधो स्नेहो का मार्ग है, जहां नेक सयानप बात नहीं, तहां साचे चले तजी आपन पो, झजके कपटी जे निसाक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो, लला तन देहूं पे ले हूं छटाक नहीं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात कही सवैये के माध्यम से। तो सुंदर, सौंदर्य होना चाहिए। मेरे बिल्कुल गुरु डॉक्टर कुंवर बच्चन ने अभी पिछले दिनों में बैठा था लॉकडाउन से पहले, उन्होंने एक बात सिखाई, उन्होंने लिखा भी उस पे। उन्होंने कहा कि चेतन ये जो शब्द होते हैं ये तो ब्रह्म होते ही हैं, शब्द ब्रह्म वाक्य, शब्द जो बिल्कुल है ब्रह्म बिल्कुल होता है। तो शब्द जो है ये शबरी के बेर होते हैं, जैसे शबरी ने राम को बेर चक चक के दिए ना अपने जूठे बेर, ऐसे हमें शब्दों को चक चक के समाज में जो क्या बैठे ये बात है सर, राम है क्या ना, बात है, वाह इन तक क्या पहुंचाने हैं। बढ़िया बात कही है, बहुत सुंदर, तालियां। वास्तव में तो उन्होंने कहा कि शब्दों का प्रयोग जो है हमें देखभाल कर करना चाहिए, ताकि ये मीठे बेर, झूठे बेर मीठे बनकर समाज में जो राम है, समाज रूपी राम, वहां तक ये बात पहुंचे। साधुवाद है सर, सर सर साधुवाद है आपकी इस बात पर। तो और यही यही चीजें हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें भाषा हो, चाहे उसमें भाषा में सौंदर्य लाना हो, चाहे उसमें अलंकार लाने हो, चाहे उसमें और भी चीजें जेवर की तरह पिरोनी हो, हमें अपने भावों को सजाने के लिए और अपने भावों की या हमारी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देने के लिए जिस भाषा का भी पुल के इस्तेमाल करें, हमें अच्छा पुल इस्तेमाल करना है, टेढ़ा मेढ़ा पुल इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि टेढ़ी लकीर खींचना बड़ा सरल है, लेकिन सरल लकीर खींचना बड़ा टेढ़ा काम होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उस बात को समाज तक लेके जाते हैं। हम जितने अच्छा सरल होकर लिखेंगे, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, लोगों के हृदय की बात करेंगे, अपनी बात नहीं कहकर अपने हुनर को पहचानते हुए और लक्ष्य को ध्यान में रखकर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम तो यात्रा लंबी करेंगे ही, हमारी नई पीढ़ियां भी कुछ सीखेंगी और वो आगे वाली पीढ़ियों को भी नई दिशा देने में कामयाब होगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि भाषा का और भावों का यही तालमेल अच्छा हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत भाव विभोर कर दिया मुझे। धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपने ऐसी कही। मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात बताता हूँ, मेरे दोनों बड़े बैठे हुए हैं और मेरे दोनों मित्र भी बैठे हुए हैं, और मैं आपको इस वक्त बता दूं बहुत अच्छी तादाद में लोग हमें सुन रहे हैं, और चौधरी वेद प्रकाश कवि जी जुड़े हुए हैं, अनुपम जी जुड़े हुए हैं, मुर्तजा खान साहब जुड़े हुए हैं। वाह मैं भाव विभोर इसलिए भी हो गया हूँ क्योंकि जब ये साहित्यिक यात्रा हमने शुरू करी थी, आज मैं जब कुछ लिखता हूँ, और मैंने ये बात कई बार देखी है डॉक्टर साहब आपके साथ भी, कि आज मैं जब कुछ लिखता हूँ और जब कुछ बहुत मन से लिख रहा होता हूँ, जब भी खास तौर से जब मैं भक्ति रस में कुछ लिख रहा होता हूँ, और ये बात मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ विनोद सर से भी, कि मैं अंदर मुझे रोना आ जाता है, मैं रो देता हूँ। एक बार मैं एक सवैया पढ़ते पढ़ते मैं अपनी माताश्री को सुना रहा था, और पढ़ते पढ़ते मैं रोने लग गया।
गला भर आता है। ये जो साहित्य का, ये जो साहित्य का रस है, इस मतलब ये जो जो हम फील कर रहे होते हैं, जो जो हमें प्रभाव हमारे ऊपर साहित्य डाल रहा है, ये हमारी पूरी शायद आत्मा को निचोड़ के जब कलम के रूप में सामने आ जाता है। कई कई बार बहुत अच्छे शेर हो जाते हैं कुछ गजल में, जब हम कहते हैं तो हमें अंदर से हमारा दिल भर आता है। ये जो एक पूरी जो यात्रा है, आपको लगता है कि फिर से मैं उस बात पे आता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात, ये सवाल बहुत झंझोड़ता है अंदर से कि परवेज मलिक साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। मुझे अंदर से ये सवाल बहुत झंझोड़ता है कि क्या मंचीय साहित्य में ये भाव कभी आ ही नहीं पाएगा? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कृष्ण सुदामा संवाद एक मैंने लिखा था जो बहुत लोगों तक पहुंचा, बहुत लोगों ने उसकी तारीफ करी, और कई बार तो मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन ने तो गुर्जर ने तो उठ के गले लगाने लगाने के लिए बढ़ गए थे आगे, वो मेरे लिए बहुत अच्छे वो। लेकिन क्या हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं उनको मंचों तक पहुंचाने की, जिसमें इतनी आत्मीयता है, जिस साहित्य में, जिस साहित्य ने हमारे अंदर के इतने भाव को जगा दिया, हम क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं आज के हम बड़े बड़े मंचों पे वो पढ़े? जब 5,000 की भीड़ होती है तो क्यों हम उसी प्रेम की और उसी मुक्तक वाली शैली में जाने की कोशिश करते हैं जिसमें आसानी से बात जाए और सीधे यहां से होती हुई दिमाग तक पहुंच जाए, बात दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े? ये दौर क्या वापस निराला का या दिनकर का या गोपाल दास नीरज का आ पाएगा सर? देखिए निश्चित रूप से आएगा, और मैं समाज में मैं देखता हूँ कि लोग अच्छी कविताएं सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, नई किताबें भी जैसे वो पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं कि मंचों पर देखने के बाद कि एक टीम बनाते हैं, एक हास्य कवि होना चाहिए, एक ओज का कवि होना चाहिए, उसमें एक शायर हो जाना चाहिए, एक उसमें गीतकार होना चाहिए, उनके बीच में एक दो कवित्रियां डाल दो कि उससे जो है एक सम्मोहन शक्ति बनी रहती है पूरे मंच पे। तो ये एक कवि सम्मेलनों का ट्रेंड चल गया है, मिक्स कवि सम्मेलन मुशायरा करने का। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने किसी विधा को स्थापित करना है तो उसके सम्मेलन कराइए ना। मैंने पिछले साल एक दोहा सम्मेलन कराया, उसमें दोहों की तकनीक पर नौजवानों के लिए प्रतियोगिता की, उनकी तकनीक पर जानकारियां दी। डॉक्टर कुंवर बेचैन और नरेश शांडिल्य जैसे विद्वान आए, उसमें दोहा की पूरी उन्होंने वो व्याकरण बताई नौजवानों को, नई पीढ़ी को। और उसके बाद दोहा पाठ हुआ, जिन बच्चों ने लिखा प्रतियोगिताओं में जो अच्छे श्रेष्ठ दोहाकार थे उनको हमने पुरस्कृत भी किया। तो इसी तरह से चीजें करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन में मैंने प्रयोग किया, 18 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मैंने देश के 21 बड़े गीतकारों को लेके डिजिटल गीत सम्मेलन चलाया। गीत सम्मेलन में केवल गीतकार और उनके सिग्नेचर गीत ही होने चाहिए, वो पढ़े और सुने और उनकी सीरीज बनाई, यूट्यूब पर डलवाई, तो गीत स्थापित हुए। तो ऐसी किसी एक विधा को लेकर हमें खुद ही एक रिस्क लेना होगा, इस चुनौती को स्वीकार करना होगा, हमें स्वयं ही ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करने होंगे जो सामने वालों को प्रभावित करें, उन्हें लगे कि यार इनके अलावा ये भी चीजें हैं, दोहा भी है, गीत भी है, घनाक्षरी भी है ना। अगर ओज का ही मंच लाना है, ओज के कवि ले आइए पूरे, आप प्रयोग कीजिए, एक बार ओज का कवि सम्मेलन करा लीजिए, एक बार जो है गीत का कवि सम्मेलन करा लीजिए, एक बार दोहे का सम्मेलन करा लीजिए, एक बार गजलों का करा लीजिए। तो मैं देख ही रहा हूँ कि गजलों बात कही, बिल्कुल गजलों को साहित्य में ये करूंगा। मैं कर रहा हूँ, मैं तो इन चीजों को कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि अब जो है जैसे गजलों पे काम हो रहा है, गजलों पे जगह जगह गजल कुंभ हो रहा है, गजल सम्मेलन हो रहे हैं, गजल गोष्ठियां हो रही हैं, गजलों पे चर्चाएं हो रही हैं, हम हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? हम पहल नहीं, बिल्कुल ऐसे प्रयास होने चाहिए, ऐसे प्रयास होने चाहिए। दादा 80% काम गजलों पे ही हो रहा है, गजलों पे हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि गजलों में तो है एक बंदिश तो है गजल कहने में, लेकिन गजलों में एक विषय पर कहने में बंदिश नहीं है, अपने गजल में 5 विषय पर हो सकते। मैं चाहूंगा इस सत्र को हम इससे पहले कि खत्म करें, दादा आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है जी, मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम इस सत्र को खत्म करें और एक आगे एक सोच छोड़ के हम जा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से मैं कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आज इस सत्र से बहुत कुछ लोगों, बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला है। मैं चाहूंगा कि एक बार हम चेतन दादा से शुरू करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हुए विनोद दादा तक पहुंचेंगे, तो मैं चाहूंगा कि एक बार इस पूरी अनूठी इस प्रयास के ऊपर हम अगली बार इसको, क्योंकि पोएटिक आत्मा की तरफ से भी मैं ही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और साहित्यम का भी प्रतिनिधित्व मैं ही कर रहा हूं,
तो ये जो पूरी जो एक एक जो प्रोग्राम हमने जो ये शुरू किया है, इसमें क्या सुधार की क्या आप आपको लगता है कुछ हो? और कुछ अशारों के साथ इस बात को अगर कहा जाए तो अति आनंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और पॉलिटिक आत्मा है, तो आत्मा तक पहुंचने के लिए जो हमने वार्ता की है ये बहुत जरूरी थी और ये प्रयास बार बार होते रहने चाहिए। और मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं चार चार मिसरों में दो एक बातें कह देता हूँ समय को देखते हुए, कि अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमिया भी हो, कि अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमिया भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां भी हो, ना हम बोले आए है, आए तुम बोलो, क्या बात है, क्या बात है, ना हम बोले मगर किस्सा बयां भी बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो, और जहां दिल से मिले दिन, जैसे हम अपने अपने घरों में बैठ के भी आ जाएंगे। देखिए, लॉकडाउन के अलावा भी कविता जोड़ती है, तो यही कहता हूँ कि जहां दिल से मिले दिल, एक ऐसा कारवां भी हो, कहां पर हो कहां कह दूं, यहां भी हो वहां भी हो, कहां पर हो कहां कह दूं, यहां भी हो वहां भी, शायद नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो चेतन सर की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है इस वक्त। मैं मुस्कान जी की तरफ जाता हूं। मुस्कान जी, इस पूरे इस सत्र के लिए और अपने कुछ इशारों से बात जरूर रखें। बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला चेतन दादा से, जो हमेशा ही सीखने को मिलता है, और दिग्गज हमारे जो वरिष्ठ हमारे कविगण हैं बैठे हैं, बिल्कुल उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। अभी चेतन दादा बात, पता नहीं मेरी बात सुन पा रहे हैं या नहीं, तो जी 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 वो ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, अभी चेतन दादा अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिएगा, एक दोहावली की आप बात कर रहे थे कि कुछ दोहे भी मैंने प्रयास किया है एक माँ वाणी के वंदन का दोहों में, अगर कुछ दोहे दो तीन आप तक पहुंचाऊं तो आपका आशीर्वाद मुझ तक मिले, देखेगा। माँ हम तेरे भक्त हैं फंसे बीच मझदार, माँ हम तेरे भक्त हैं फंसे बीच मझदार, दूर सभी संकट करो कर दो भव से पार, माँ वाणी तेरी दया की है मुझको आस, माँ वाणी तेरी दया की है मुझको आस, ज्ञान विवेक विचार का तम करो विकास। क्या बात दादा, इस तरह से कुछ मैंने 8-10 दोहों से एक माँ वाणी की वंदना तैयार की है, और एक मैंने तैयार की है चौपाई जी से वंदना, तो कभी मुझे समय मिला तो आपको चौपाइयों वाली वंदना दादा सुनाना चाहूंगी। बहुत अच्छा, बस थोड़ा समय चाहूंगी, अभी तो नहीं, फिर अभी, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं किया अच्छे से, तो मैं चाहती हूँ कि इतने अच्छे मंच पर जब हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से वही बात हो जाती है, परफॉर्मर अच्छा होना चाहिए कि जो सुन रहा है वो अच्छे से सुन पाए, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैंने तैयार की है, कभी समय से बैठ कर आपको सुनाऊंगी, लॉकडाउन खुल जाए तो आप जरूर जरूर। Practice not only makes a man perfect but also a woman perfect. So ये practice का wait कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और कासिद भाई, आपकी तरफ आता हूँ इस पूरे सत्र के बारे में, ये जो कोशिश है पोएटिक आत्मा की तरफ से। सत्र बहुत जबरदस्त रहा, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, जहाँ पे विनोद भैया और चेतन भैया जैसे गुणी व्यक्ति हो, मुस्कान जी जैसी प्रतिभाशाली कवित्री हमारे सामने हो, तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत कुछ सीख करके जाते हैं वहाँ से। रही बात सुधार की बात, तो मैं सुधार या ऐसा तो कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा प्रयास है, प्रयास नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमेशा होता यह है कि हम पहला प्रयास कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको आगे क्या करें ये सोचने में हम समय ज्यादा लगाते हैं, बनिस्पत इसके कि जो हमने किया था कम से कम वो दोबारा करें। तो प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए, सुधार अपने आप आते रहते हैं, जो आविष्कार है वो हमेशा आवश्यकता जो होती है वही आविष्कार की जननी होती है। आज की आवश्यकता है कि प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, सुधार अपने आप होते रहेंगे। और जहां तक रही अशारों की बात, मैंने एक गजल कभी कही थी, बहुत तंजिया गजल है,
जब मैं भी कभी आहत होता हूँ तो फिर ये गजल गुनगुनाता हूँ। जहां जहां से मुझे शेर याद आ रहे हैं, मैं दो दो चार शेर जो याद आ रहे हैं मैं पेश करता हूँ दादा। कि मैंने कहा था कि कोई तो आज शायर इरशाद सोचिए, कोई तो आज शायर इरशाद सोचिए, बेआबरू कसीदों से आजाद सोचिए, बेआबरू कसीदों से आजाद सोचिए, और हो मश्क बाबहर तो तरन्नुम पे जोर हो। दादा शेर छोड़ता हूं मैं, आप दादा कुंवर बेचैन के शिष्य हैं, मैं उन बदकिस्मतों के लिए शेर छोड़ता हूं, आपके माध्यम से आपके हवाले से मैं बात रखता हूं कि कोई तो आज शायर इरशाद सोचिए, बेआबरू कसीदों से आजाद सोचिए, और हो मश्क बाबहर तो तरन्नुम पे जोर हो, मिलते कहां है आज उस्ताद सोचिए, मिलते कहां है आज वो उस्ताद सोचिए, और सम्मेलनों के नाम पे पैसों के खेल में क्या पड़ रही है मंच की बुनियाद सोचिए, क्या पड़ रही है मंच की बुनियाद सोचिए। शुक्रिया। ये वो गजल है जिस गजल के साथ पहली बार मैं कासिद साहब से मुखातिब हुआ था, और इस पूरे बीच में किसी ने इस चिराग के लिए अंधेरा किसी किसी का भी प्रकाश की तरफ प्रकाश नहीं किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और मैं डॉक्टर विनोद सर की तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि मैं आपका पहले शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि आज स्कूलों की जिस तरह से पढ़ाई चल रही है, और डॉक्टर चेतन आनंद और डॉक्टर विनोद दोनों ही इतने ज्यादा व्यस्त थे, अपनी तरफ से इनका ये समय 2.5 घंटे हमारी तरफ निकाल पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुझे लगता है कि मेरी, जो मैं इनको यहाँ तक ला पाया। डॉक्टर साहब, इस पूरे सत्र के बारे में, और आपने बुलाया उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप भी तो सुना रहे थे जी, पहले सुना रहे थे, सुना दी पहले। आपको सुनाइए, पूछ रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अनुरोध करता हूँ डॉक्टर विनोद कसुन से। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, चौधरी वेद प्रकाश जी हैं, जुड़े हुए हैं, और खान साहब हैं, परवेज मलिक साहब हैं, कुमार अनुपम जी हैं, और वो पूरे सत्र से जुड़े हुए हैं, रंजीत तिवारी जी जुड़े हुए हैं, तो सभी आपको सुन रहे हैं और सबकी दरख्वास्त है। प्लीज विनोद सर सुनाए। सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को जो सुन रहे हैं उनका हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने हमें सुना है। चेतन सर, आशीष जी, सुमित जी, मुस्कान जी, मैं छोटी सी गजल रख रहा हूँ कि दिल जिसमें धड़कता हो वो पत्थर नहीं होता, दिल जिसमें धड़कता हो वो पत्थर नहीं होता, ये तजुर्बा अपना है जो कमतर नहीं होता, क्या बात है, वाह, ये तजुर्बा अपना है जो कमतर नहीं होता। और शेर देखिएगा कि रातों की नींद दिन का सुकून बेचने वालों, रातों की नींद दिन का सुकून बेचने वालों, पैसा कभी सुकून से बढ़कर नहीं होता, पैसा कभी सुकून से बढ़कर नहीं होता, ये तजुर्बा अपना है जो कमतर नहीं होता, रिश्तों में जहाँ प्यार भरोसा ही नहीं हो, रिश्तों में जहाँ प्यार भरोसा ही नहीं हो, कहने के लिए है वो मगर घर नहीं, नहीं होता, कहने के लिए है वो मगर घर नहीं होता, नहीं होता। और ये शेर जितिन सर आपकी नजर कर रहा हूँ, ये शेर की, ये कोटियां सोती है लिए नींद की गोली, क्या बात ये कोटियां सोती है लिए नींद की गोली, ऐसे कभी बेचैन तो छप्पर नहीं होता, ऐसे कभी शुक्रिया, क्या बात है, बहुत अच्छा छप्पर नहीं होता, और वो और दौर था जहां नजरों शर्म थी,
और था जहां नजरों की शर्म थी, बच्चों को आज डांट का भी डर नहीं होता। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आप सबका आना, आप सबका आना इस सत्र के लिए एक, मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा एक आगाज हुआ है और मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि इस सत्र को जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये हो चुका है। और चौधरी वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, वो दो बार मैसेज कर चुके हैं कि आशीष भाई आप भी सुनाइए, आशीष जी आप भी सुनाइए, यहाँ इसमें काफी कमेंट आ रहे हैं कि आप भी सुनाइए, तो कुछ सुनाई दीजिए आप भी अब। तो बस अंत में चलते चलते जो हमारा पूरा सत्र है वो दो बातों के इर्द गिर्द घूमा, उनको शायरी के माध्यम से कहता हूँ, वो ये कि हमने सीखा जो सब भुला बैठे, बात करने का ढब भुला बैठे। क्या बात है, क्या कहने सीखा। चौधरी साहब आप भी सुनिए, आपकी फरमाइश पे मैं ये चार मिसरे पढ़ रहा हूँ कि हमने सीखा जो सब भुला बैठे, बात करने का ढब भुला बैठे। बहुत सुंदर है, क्या कहने। शेर कहना तो फिर भी आता था, शेर कहना तो फिर भी आता था, शायरी के अदब भुला। क्या बात है। हमारी बस इतनी सी एक कमी रह गई है आज इस समाज की। मेरे ये अपने विचार हैं, अभी तक मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा था लेकिन इन सारे सवालों का मेरे जो जहन में जवाब चलता है वो इतना ही है। और एक इन्होंने बात करी थी कासिद भाई ने, हर कोई आज देखता है कि मैं कुमार विश्वास बन जाऊं, हर कोई आज ये देखता है वहां सेलिब्रिटी बन जाऊं, लेकिन मैंने इस पे दो शेर कहे हैं, वो बस ध्यान दीजिएगा कि समंदर का किसी की प्यास से वादा नहीं होता, समंदर का किसी की प्यास से वादा नहीं होता है, पर दरिया उसी के पास जो प्यासा नहीं होता। और शोहरत है शोहरत वो किला जिसमें हुनर की सीढ़ियां भी हैं, है शोहरत वो किला जिसमें हुनर की सीढ़ियां भी हैं, वहां जाने का कोई चोर दरवाजा नहीं होता, चोर दरवाजा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दोस्तों बिल्कुल सही समय से इस पूरे सत्र को हमने उसके अंजाम तक पहुंचाया है और हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली इस पूरे सेशन को सुन रही है, अनुपम जी ने कहा कि अद्भुत रही पूरी चर्चा, और अनुपम जी शुरुआत से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग, परमजीत सिंह जी जुड़े थे, परवेज मलिक साहब जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर चेतन आनंद और डॉक्टर विनोद जी के चरणों में वंदन करते हुए, अपने दोस्तों से हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हुए और उनका अभिवादन करते हुए इस सत्र को प्रणाम करते हुए समाप्त करता हूँ। और संदीप तुम्हारी तरफ इस सत्र को मोड़ता हूँ, मैं आप लोगों के साथ फिर से इस सत्र के माध्यम से या किसी और ऐसे ही सत्र के माध्यम से जुड़ता रहूंगा। पोएटिक आत्मा साहित्यम, हम सब एक परिवार के हिस्से हैं, ये सारे मंच जो भी काम कर रहे हैं साहित्य के उत्थान के लिए कर रहे हैं, हम सब एक परिवार के हिस्से हैं, हमारे बीच में दूरियां नहीं है, बस बात इतनी है कि किसी की कुछ शैली है देखने की, किसी की कुछ शैली है देखने की। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इतनी सी बात करते हुए मैं पोएटिक आत्मा और साहित्यम का बहुत बहुत आभार कि आज अवसर दिया, बहुत बहुत आभार आशीष जी, बहुत आभार चेतन सर, बहुत अच्छा, और सभी जो जिन्होंने सुना है उनका तो हृदय से आभार, क्योंकि इतना लंबा समय उन्होंने हमें सुना है, तो सभी का हृदय से आभार। नवीन गुप्ता जी कह रहे हैं।